स्टीफन रिएक्शन, रोजेनमन रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, एटार्ड रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन, इन सारी नेम रिएक्शंस की एक खास बात है, एक इनमें सिमिलैरिटी है कि इन रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एक एल्डिहाइड। ठीक है, इन सारी रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एक एल्डिहाइड। तो इनको मैंने इसीलिए कंबाइन कर दिया, इनको एक वीडियो में साथ में करेंगे, इनमें बार बार कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो मैं ट्रिक बताने से पहले एक चीज क्लियरली बता दूं कि आप पहली बार कोई ट्रिक देखोगे ना तो वो अजीब लगेगी, बिल्कुल नेचुरल है कि वो थोड़ी अजीब लगेगी। इसीलिए मैं आपको एडवाइस देता हूं कि उस ट्रिक को आप या तो साथ में कॉपी में लिख लेना या उसको दो तीन बार रिपीट कर लेना। ठीक है, ये बिल्कुल नेचुरल है कि पहली बार कोई ट्रिक देखेंगे तो वो बिल्कुल अजीब लगेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबको पता है रोजर फेडरर, रोजर फेडरर टेनिस के कितने बड़े प्लेयर हैं सबको पता है। ठीक है, और अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो रोजर फेडरर कहाँ के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। तो सिंपल सी ट्रिक है, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं कौन, रोजर, RGER रोजर, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं रोजर। एस से स्टीफन रिएक्शन, आर से रोजेनमंड, जी से गैटरमैन कोच, ई से इटार्ड, आर से रीमन टीमन रिएक्शन। तो ये वो सारी रिएक्शन है जहां पे हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। इतनी बात क्लियर है, इन सारी रिएक्शंस में हमें प्रोडक्ट में मिलने वाला है एल्डिहाइड। अब बात करते हैं कि एक एक रिएक्शन का हम रिएक्टेंट एंड रिएजेंट कैसे याद करें। ठीक है, प्रोडक्ट अपने को याद हो गया एल्डिहाइड, और इन एक एक रिएक्शन का रिएक्टेंट एंड रिएजेंट को कैसे याद करें। अब देखो रोजेनमंड रिएक्शन को कैसे याद करें, देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। राहुल कोकल, ये RCOCL यानी राहुल कोकल, लैंड, लैंड यानी जमीन पर क्या मिला, रोज यानी गुलाब का फूल मिला। राहुल कोकल लैंड पर रोज का फ्लावर मिला। ठीक है, अब देखो राहुल कोकल से डायरेक्ट आ जाएगा RC OCl यानी एसिड क्लोराइड, और लैंड से हमें मिलेगा लिल्लर कैटलिस्ट, क्या हो गया, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ये लिंडलर कैटलिस्ट हो जाएगा, और रोज से हमें पता चलेगा रोजेनमंड रिएक्शन। अब देखो हमको कोई बोल दे कि रोजेनमंड रिएक्शन लिख के बताओ, तो रोजर वाली, वो स्विट्जरलैंड का है रोजर, उससे हमें पता लग गया कि रोजेनमंड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एल्डिहाइड। अब यहां पर देख लो, यहां पर ये अपना हो जाएगा क्या, रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, रिएजेंट। ठीक है, रिएक्टेंट ये है और रिएजेंट ये है, और प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी पता है क्या होगा, एल्डिहाइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, कौन सी, स्टीफन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, देखो स्टीफन कोई साइंटिस्ट का नाम है, हाँ ऑब्वियस सी बात है स्टीफन किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो जो स्टीफन साइंटिस्ट है वो क्या है, वो रशियन है। ऐसे याद कर लेना ट्रिक, जो स्टीफन जो साइंटिस्ट है वो रशियन है। देखो रशियन से हमें याद आना चाहिए RCN, है ना, बोलने से देखो लग रहा है रशियन, RCN रशियन। तो स्टीफन से क्या याद आएगा, स्टीफन से पहली चीज याद आएगी कि ये स्टीफन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, और S फॉर स्टीफन, और S से हमें यह याद कर लेना है कि स्टीफन रिएक्शन में जो रिएजेंट था वो क्या था, SnCl2 और ये HCl। ठीक है, ये S से याद आ जाएगा, S फॉर स्टीफन, S फॉर SnCl2, ये हमें याद आ जाएगा। अब देखो स्टीफन रिएक्शन के बारे में हमें रोजर, स्विट्जरलैंड का है रोजर, उस रिएक्शन से पता लग गया कि स्टीफन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो होगा एल्डिहाइड, और रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RCN, और रिएजेंट क्या हो जाएगा, SnCl2HCl। बहुत सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, किसी बंदे का नाम है तोलूराम। ठीक है, किसी बंदे का नाम है तोलूराम, और तोलूराम जो है वो बूढ़ा हो गया है ना, उसकी एज हो गई है, अब उसको रिटायर करना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी लाइन है कि तोलूराम को रिटायर करो। ठीक है, तोलूराम को रिटायर करो, टोलूराम से हमें याद आएगा टोलुइन, और रिटायर, रिटायर से थोड़ा रिलेट कर लेना, रिटायर इटायर है, रिटायर इटायर से याद आ जाएगा इटार्ड रिएक्शन, और क्रो से याद आएगा ये CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, देखो
टोलुइन इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। और रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं हम, एटार्ड रिएक्शन। और रिएजेंट क्या हो जाएगा, ये क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। और प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, तो हमें स्विट्जरलैंड का है रोजर, उस रिएक्शन से पता चल गया था कि एटार्ड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एल्डिहाइड। और रिएक्टेंट और रिएजेंट इस रिएक्शन से, इस ट्रिक से अपने को याद हो गए। अब बात करते हैं हम गेटरमैन कोच रिएक्शन की। देखो इसमें ट्रिक लगाने से अच्छा है थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं। देखो स्विट्जरलैंड का है रोजर, उस ट्रिक से हमें पता लग गया कि एक बात तो क्लियर है कि गेटरमैन कोच रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एक एल्डिहाइड। ठीक है, तो सिंपल सा ऐसे याद रखना कि प्रोडक्ट तो एल्डिहाइड है, इसमें तो कुछ याद नहीं रखना, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि रिएक्टेंट क्या था, इसमें रिएक्टेंट था बेंजीन, तो बेंजीन से हमने क्या बना दिया, बेंजल्डिहाइड। अब देखो यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ये बेंजीन है यहां पे बन गया ये बेंजल्डिहाइड, तो यहां पे ऐड क्या हुआ है, जो एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई है वो क्या है, CHO। ठीक है, CHO, तो यहां पे क्या रिएजेंट लगाएं कि ये यहां पे ऐड हो जाए, तो सिंपल सा है, एक कार्बन होना चाहिए, एक ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो क्लियर है, लो हमने CO ऐड कर दिया। ठीक है, CO ऐड कर दिया, और क्या ऐड करें कि हमें हाइड्रोजन मिल जाए, तो हाइड्रोजन कौन देता है, H+ कौन देता है, HCl देता है, तो सिंपल सी ये अपने को रिएक्शन याद हो गई। रीमन एंड टीमन दो भाई थे जो बहुत अल्कोहल पीते थे। यहां मेरा अल्कोहल का मतलब है फिनोल, पर अल्कोहल यानी फिनोल के साथ एक प्रॉब्लम थी कि फिनोल का नशा एक दिन में ही उतर जाता था। तो रीमन और टीमन ने सोचा कि फिनोल में कुछ ऐसा मिला देते हैं कि कम से कम नशा, फिनोल का नशा पूरे एक साल तक चले। ठीक है, तो आप सबको पता है कि क्लोरोफॉर्म से बंदा बेहोश हो जाता है। रीमन एंड टीमन क्या करते हैं, फिनोल को मीन्स KOH, फिनोल को क्लोरोफॉर्म में मिला देते हैं, तो नशा एक साल तक चलता है। साल मीन्स सैलिसल डिहाइड। तो यही अपनी रिएक्शन है, फिनोल प्लस KOH प्लस क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करके बनाएंगे सैलिसल डिहाइड, और इसी को बोलते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट है कोलबेज रिएक्शन। देखो इसको कैसे याद करना है, देखो ये एक फिनोल है, फिनोल की इस सब के साथ रिएक्शन हुई तो ये बन गया, है ना, सिंपल सा है। इसको याद कैसे करें, देखो फिनोल ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो डिफरेंस आया है वो कहां पे आया है, COOH, COOH। अब देखो यहां पे हमें इस NaOH का, ये समझ लो ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूं कि NaOH का यहां पे कोई यूज नहीं है, NaOH का कोई यूज नहीं है, तो ये बचा क्या, COOH, है ना, ऑक्सीजन तो है, COOH, और यहां पे एडिशन किसकी हो रही है, COOH। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को याद करा जा सकता है ना, ये फिनोल था, इसमें ये ऐड कर दिया, तो ये यहां पे ऐड हो गया, तो सिंपल तरीके से याद हो गई। देखो ये अल्फा हाइड्रोजन के रिलेटेड दो रिएक्शन है, इनमें कंफ्यूजन होती रहती है, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो। अब इनमें से एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, वो ऐसे एल्डिहाइड्स में होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, और दूसरी ऐसी रिएक्शन है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अब्सेंट हो, वैसे वाले एल्डिहाइड्स में होगी। तो इसको कैसे पहचाने, देखो सिंपल सी ट्रिक है, एल्डोल में लिखा हुआ है दो दो दो, मतलब इस एल्डोल कंडेंसेशन को होने के लिए चाहिए दो अल्फा हाइड्रोजन, और कैनिजारो में नी नी मतलब नहीं, नी मतलब नहीं, मतलब ऐसे एल्डिहाइड्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होगे उसमें होगी कैनिजारो। हमें कुछ भी याद नहीं करना, सिंपली इसके नाम को देखो, नाम क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन, तो इस नाम से हमें क्या क्या मिला, देखो यहां पे है ALD, तो इससे हमें मिल जाएगा कि ये रिएक्शन होगी एल्डिहाइड्स के लिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट कवर हो गया। अब नाम में क्या क्या मिलेगा हमें, यहां पे है DO, DO मतलब दो, दो मतलब इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, अभी तक क्या क्लियर हुआ कि ये रिएक्शन है जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो है एल्डिहाइड्स के लिए, और दो, दो से हमें याद आया कि इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, और कंडेंसेशन वर्ड होता है वॉटर के रिलेटेड, तो कंडेंसेशन से हमें याद आ जाएगा कि इस रिएक्शन में क्या करवाना है, रिमूवल ऑफ वॉटर। ठीक है, तो क्या रिएक्शन बन गई कि ऐसे एल्डिहाइड्स जिसमें दो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनमें से हमें वॉटर का रिमूवल करा देना है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखो अल्फा हाइड्रोजन के लिए बता दूं मैं आपको, मान लो ये मॉलिक्यूल है CH3
CH2CHO, ठीक है, ये कोई एल्डिहाइड है। अब इसमें आपसे पूछा जाए अल्फा हाइड्रोजन बताओ, तो देखो ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का, जो फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन है वो होगा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से नेक्स्ट कार्बन है वो होगा बीटा कार्बन, फिर आगे गामा, फिर सलमान, फिर शाहरुख, फिर ऋतिक, ऐसे चलते जाओ, ठीक है। अब देखो ये है अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो हो जाएंगे हमारे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्लियर हो गया हमें, अल्फा हाइड्रोजन की कंफ्यूजन क्लियर होगी, ठीक है। अब हम करते हैं रिएक्शन। देखो हमें करना क्या है, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है उसमें से पानी को निकाल देना है, ठीक है। तो पहले ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें दो अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो ये मान लो एल्डिहाइड है आपके पास CH3CHO, पहले तो चेक करो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन होगा अल्फा कार्बन, अब ये है अल्फा कार्बन और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है वो हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब हमें देखना है दो अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, तो इसके पास है तीन, तो हमारा ये पूरा क्लियर हो रहा है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्लियर हो रही है, मतलब इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगी, तो इसके हमें लेने पड़ते हैं दो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे पूछी जाएगी कि दो ऐसे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल दे देंगे और यहां पे आपको दे देंगे डाइल्यूट बेस, अब करके बताओ तो कैसे होगी। देखो सिंपली हमें निकालना है पानी, तो देखो ये दो मॉलिक्यूल है तो इनको हम थोड़ा खोल के लिख लेते हैं। देखो एक तो हो गया ऐसे, हमने एक मॉलिक्यूल को लिखा ऐसे CH3CHO, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल को हम ये दो अल्फा हाइड्रोजन का यूज करेंगे, ठीक है। ये दो अल्फा हाइड्रोजन, ये इसका तीसरा हाइड्रोजन, और यहां हो जाएगा CHO, ठीक है। यही दो मॉलिक्यूल है CH3CHO और ये CH3 एंड CHO। अब देखो सिंपली हमें क्या करना है, रिमूवल ऑफ वॉटर, ये जो H2O है H2O इसको निकाल देना है। अब हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, देखो इसको ऐसे ही सेम कॉपी मार दो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH फिर क्या है ये डबल बॉन्ड, और ये क्या है फिर CH, और फिर ये सिंगल बॉन्ड, और फिर CHO, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ये है पूरी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कुछ नहीं करना, सिंपली इसके नाम से ही ALD एल्डिहाइड, दो से दो अल्फा हाइड्रोजन, कंडेंसेशन से याद आ जाएगा रिमूवल ऑफ वाटर, बहुत सिंपल है। और अभी कमेंट्स में ये मत बोलना कि तूने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो बताई नहीं। तो देखो बहुत सिंपल है, कोई भी अलग अलग मॉलिक्यूल दे दिए जाए, सिंपली एक मॉलिक्यूल से निकालो ऑक्सीजन और दूसरे से निकालो दो हाइड्रोजन, पानी को निकाल के ऐसे का ऐसे रिजल्ट को चिपका दो, तो कोई भी मॉलिक्यूल दे दिए जाए सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। कैनिजेरो रिएक्शन, देखो कैनिजेरो जो था वो एक साइंटिस्ट का नाम था और उसी साइंटिस्ट के नाम पे ये रिएक्शन का नाम पड़ा कैनिजेरो रिएक्शन। तो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना कि जो कैनिजेरो था, जो साइंटिस्ट कैनिजेरो था, वो बेसिकली साउथ अफ्रीकन था। कैनिजेरो साइंटिस्ट बेसिकली साउथ अफ्रीकन था, तो इसी लाइन को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि कैनिजेरो बेसिकली वॉज ए साउथ अफ्रीकन, कैनिजेरो बेसिकली वॉज ए साउथ अफ्रीकन। अब इस लाइन से हमें क्या क्या मिल गया, देखो कैनिजारो से कैनिजारो, बेसिकली से बेस, और वॉज तो एक ग्रामर का वर्ड है ये कट जाएगा। ए से हमें मिला एल्डिहाइड और एस ए साउथ अफ्रीका, एस से मिला हमें सॉल्ट और ए से मिला हमें एल्कोहल। तो देखो ये पूरी रिएक्शन हमारे सामने आ गई कि कैनिजारो रिएक्शन में बेस का यूज करके एल्डिहाइड से हमें मिलता है सॉल्ट एंड एल्कोहल। एक बार फिर से, कैनिजारो रिएक्शन में बेस का यूज करके एल्डिहाइड से मिलता है हमें सॉल्ट एंड एल्कोहल। अभी एक कंफ्यूजन बची कि जो बेस यूज किया है ये डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड होगा। तो रिएक्शन का नाम स्टार्ट हो रहा है सी से, सी फॉर कैनिजारो, सी फॉर कंसंट्रेटेड, तो बेस होगा कंसंट्रेटेड। थैंक यू। अब देखो ये टोलन फेलिंग में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, इनपे भी थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो टोलन रिएजेंट होता है वो एरोमेटिक और एलिफेटिक, एरोमेटिक भी एलिफेटिक भी दोनों टाइप के एल्डिहाइड देते हैं, बट जो फेलिंग रिएजेंट है वो ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग वाला टेस्ट नहीं देते। तो इसको कैसे याद करें, देखो टोलन की स्पेलिंग में डबल एल आ रहा है, डबल एल मतलब एस को ऐसे याद कर लेना कि एक एल से बना एरोमेटिक और एक एल से एलिफेटिक, डबल ए को डबल एल से मैच करा देना है। अब देखो ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की जब रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी दो टाइप की रिएक्शन है, कौन सी,
क्लेमेंसन रिडक्शन और वॉल्फ किशनर रिडक्शन। तो पहले करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, इस रिएक्शन को कैसे याद करना है। देखो इतनी बात तो हमें याद होगी कि जो कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन से अपने को क्या मिल रहा है, एक एल्केन मिल रहा है। पर इस रिएक्शन को याद कैसे करना है रिएजेंट के साथ। देखो क्लैम से ऐसे याद रखना कि किसी का सर कलम कर दिया, ठीक है। किसी का सर मतलब मान लो आप हो या मैं हूं, हम किसी के लिए अपना सर कलम करवा सकते हैं, मतलब उसके लिए हमारी जान हाजिर है, ठीक है। हम किसी के लिए अपना सर कलम करवा सकते हैं मतलब उसके लिए हमारी जान हाजिर है। जान हाजिर से याद आएगा जिंक HG। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में जो रिएजेंट थे वो थे जिंक HG, और इतना तो हमें पता ही है कि एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन करके हमने क्या बनाया था, एक एल्केन, और हमें रिएजेंट पता लग गए। अब दूसरी रिएक्शन वॉल्फ किशनर रिडक्शन। देखो इतनी बात तो हमें क्लियर है कि एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन करके एल्केन बनेगा वॉल्फ किशनर में। अब इसके रिएजेंट को कैसे याद करें, देखो सिंपल सा है। वॉल्फ क्या होता है, भेड़िया। वॉल्फ जब कृष्णा, ये किशनर कोई लड़का है जिसका नाम है कृष्णा, ठीक है। वॉल्फ जब कृष्णा को खाएगा तो कृष्णा ऑब्वियस सी बात है क्या बोलेगा, नहीं नहीं, ठीक है। जब वोल्फ भेड़िया कृष्णा को खाएगा तो कृष्णा मनाही करेगा ना, उसको खा रहा है, तो कृष्णा बोलेगा नहीं नहीं मुझे मत खाओ। तो नहीं नहीं से याद आ जाएगा NH2NH2OH, मतलब वोल्फ किशनर भी अपने को याद हो गई। वाले हैं वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिग रिएक्शन को याद करने का सिंपल सा मेथड। देखो रिएक्शन से पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। देखो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, अराइल ग्रुप क्या होता है, तो सिंपल से शब्दों में बात करेंगे, कोई साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं। देखो जहां पे आपको ये ऐसा ग्रुप मिल जाए, R ग्रुप जहां मिल जाए वो सिंपली होता है अल्काइल ग्रुप, और ऐसा जहां पे एरोमेटिक बेंजीन जैसा ऐसा ग्रुप जहां मिल जाए वो होता है अराइल, अल्काइल एंड अराइल, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, फर्स्ट रिएक्शन में हम सिर्फ अल्काइल ग्रुप का यूज करेंगे, सेकंड रिएक्शन में हम सिर्फ अराइल ग्रुप का यूज करेंगे, और थर्ड रिएक्शन में हम इन दोनों का मिक्सचर कर देंगे, एक अल्काइल ग्रुप और एक अराइल ग्रुप। तो जिस रिएक्शन में हम सिर्फ अल्काइल ग्रुप का यूज कर रहे हैं, ये देखो RX, ये RR मतलब अल्काइल ग्रुप, उसको हम बोल देंगे वुड्स रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हम दोनों अराइल ग्रुप का यूज कर रहे हैं, ये देखो ये अराइल ग्रुप है, अराइल, उसको हम बोल देंगे फिटिग रिएक्शन, ठीक है। और दोनों का मिक्सचर जिसमें यूज कर रहे हैं, तो जिसमें एक अल्काइल है और एक अराइल ग्रुप है, तो दोनों का मिक्सचर यूज कर रहे हैं, तो नाम भी हो जाएगा मिक्सचर वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब आपको सिर्फ एक कंफ्यूजन हो सकती है वुड्स और फिटिग के बीच में, कि कौन सी अल्काइल वाली थी कौन सी अराइल वाली थी। तो देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लिक जैसे कंपाउंड है, ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो जो साइकिल चलाता है वो फिट रहता है, जो साइकिल चलाता है वो फिट रहता है, तो साइक्लिक कंपाउंड वाली आ गई फिटिग रिएक्शन, ठीक है। तो अराइल वाली होगी ऑटोमेटिकली फिटिग, ये वाली होगी वुड्स रिएक्शन, और ये दोनों का मिक्सचर है, ये तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, देखो ये एक नेम रिएक्शन है, आपको मैं अमीन चैप्टर में नेम रिएक्शन की एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो अमीन पूरे चैप्टर की बता रहा हूं, अमीन चैप्टर में जब भी हम किसी नेम रिएक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरी अमीन का लेना देना जरूर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पूरे अमीन चैप्टर में जब हम किसी नेम रिएक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरी अमीन का लेना देना जरूर होगा, इतनी बात क्लियर है। अब इसको करते हैं, देखो यहां पे देखो इसको नाम से कोशिश करो, ब्रोमामाइड, इसको नाम से ही पता लग रहा है कि ये ब्रोमीन किससे मिलके बना है, ब्रोमीन और ये अमाइड, ये है एक अमाइड, तो ब्रोमामाइड मिलके बना है ब्रोमीन प्लस अमाइड से, इतनी बात क्लियर है। अब इसको पकड़ लो होफमैन को कैसे पकड़ना है, लास्ट के दो लेटर और शुरू के दो लेटर, लास्ट के दो लेटर क्या है NA और शुरू के क्या है OH, इतनी बात क्लियर है। ब्रोमीन अमाइड और ये क्या है, ये क्या मिलके बना देगा NaOH। अब आपके सामने मैं रिएक्शन लिख के बताता हूं, देखो अमाइड, ये अमाइड प्लस ये क्या है ब्रोमीन प्लस ये क्या है NaOH, और मैंने क्या बोला था, जब भी अमीन चैप्टर में हम नेम रिएक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरी अमीन का लेना देना पक्का होगा ही होगा, तो
तो ये अपने पास होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन बन गई कि अमाइड प्लस ब्रोमीन प्लस NaOH रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एक प्राइमरी अमीन। इतनी सी सिंपल सी बात है। अब लास्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अब इसको कैसे याद करें, देखो इसके भी नाम से ही कोशिश करना है। देखो पहली बात तो ये क्लियर है कि ये एक नेम रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड एक नेम रिएक्शन है। अब नेक्स्ट देखो इसके नाम से ही कोशिश करते हैं, ये है थैलामाइड, तो थैलामाइड से अपने को याद आना चाहिए थैलिक एसिड। थैलिक एसिड कुछ इस तरीके का दिखता है, मतलब हमें ले दे के थैलिक एसिड है अपने पास, इसी से हमें कुछ करना है। अब क्या करना है, देखो मैंने क्या बोला, ये एक नेम रिएक्शन है, और मैंने क्या बोला था कि अमीन चैप्टर में जब भी हम नेम रिएक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरी अमीन का लेना देना होता है, तो सिंपल सा है, थैलिक एसिड से हमने बना देना है प्राइमरी अमीन। ठीक है, नेम रिएक्शन अमीन चैप्टर में जब भी हम किसी नेम रिएक्शन की बात करते हैं, ये हम आगे भी यूज करेंगे सेम ट्रिक, अमीन चैप्टर में जब भी हम नेम रिएक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरी अमीन कहीं ना कहीं होगा। अब रिएक्टेंट में तो ये है थैलिक एसिड, तो प्रोडक्ट में ही होगा, है ना। अब बचा क्या, अब बचा कि रिएजेंट क्या यूज करना है। तो देखो चैप्टर का नाम है अमीन मतलब अमन, अमन मतलब शांति, तो इस चैप्टर में हम एसिड का यूज नहीं करते, इस चैप्टर में हम किसका यूज करते हैं, इस चैप्टर में हम बेस का यूज करते हैं, है ना। एसिड क्या है, जला देगा, मतलब वो शांति भंग कर देगा, तो यहां पे बेस का यूज कर देना है। ठीक है, थैलिक एसिड बेस और बन गया प्राइमरी अमीन। है कार्बिलामीन रिएक्शन। देखो इसको कैसे याद करना है, एक बात तो क्लियर है कि कार्बिलामीन रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अमीन चैप्टर में जब भी हम नेम रिएक्शन की बात करते हैं तो अपना लेना देना प्राइमरी अमीन के साथ जरूर होगा ही होगा। ठीक है, अपना लेना देना प्राइमरी अमीन के साथ होगा ही होगा, तो कार्बिलामीन। ठीक है, देखो कार्बिलामीन कहीं भी वर्ड दिख जाए इससे याद आना चाहिए वर्ड कार। ठीक है, वर्ड कार, और कार में कौन बैठा था, कार में बैठा था अमन, तो कुछ चोर थे वहां पे, आसपास कुछ चोर घूम रहे थे, तो कार में बैठे अमन को क्या चोरों ने क्या किया, क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया और भाग गए चोर। भाग गए मतलब रन मतलब भाग गए चोर, रन कर गए चोर, RNC। क्लियर है। अब देखो अमन से है हमारे पास अमीन, और अमीन कैसा होगा, प्राइमरी अमीन, क्योंकि नेम रिएक्शन है, तो ये है एक प्राइमरी अमीन, ये है KOH, ये है क्लोरोफॉर्म, और ये है RNC यानी आइसोसाइनेट। ठीक है, क्लियर है। कार में बैठे अमन को क्लोरोफॉर्म सुंघा के रन मतलब भाग गए चोर। कार में अमन बैठा था, चोर उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा के और चोरी बोरी करके भाग गए होंगे। ठीक है, क्लियर। करने वाले हैं हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शंस को याद करने की ट्रिक। अब देखो यहां पे वर्ड है एक्सचेंज, तो एक्सचेंज से हमें याद आना चाहिए कि हम किसी एक्सचेंज ऑफर से कोई कार खरीद रहे हैं। ठीक है, हम किसी एक्सचेंज ऑफर से कोई कार खरीद रहे हैं। अब कार कौन सी खरीद रहे हैं, पिंक कलर की स्विफ्ट। तो यहां तक की ट्रिक क्लियर है कि हम एक्सचेंज ऑफर से पिंक कलर की स्विफ्ट खरीद रहे हैं। अब देखो एक्सचेंज से हुआ हैलोजन एक्सचेंज, इसकी दो रिएक्शन, पिंक से हमें याद आएगा फिंकलस्टीन, पिंक फिंक मैच हो गया फिंकलस्टीन, और स्विफ्ट से हमें याद आएगा स्वार्ट्स रिएक्शन। तो हैलोजन एक्सचेंज की दो रिएक्शन फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स। एक बार फिर से करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज, एक्सचेंज वर्ड से हमें स्ट्राइक करेगा कि हम एक्सचेंज ऑफर से पिंक कलर की स्विफ्ट खरीद रहे हैं, तो हैलोजन एक्सचेंज की दो रिएक्शन फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन। अब हमें एक बात तो क्लियर होगी कि फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन में हैलोजन का एक्सचेंज होता है। अब ये कैसे पता लगाएं कि कौन सी रिएक्शन में कौन से हैलोजन का एक्सचेंज होता है, तो इसके लिए एक सिंपल सी बात बताता हूं। देखो हमें हैलोजन पता है कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसमें हमें एक सिंपल सी बात पता है कि जो फ्लोरीन है वो होता है स्मॉलेस्ट, और आयोडीन है वो होता है लार्जेस्ट। अब देखो दोनों रिएक्शन के सिर्फ नाम को देखो, नाम को देखना है किसका नाम बड़ा है। फिंकलस्टीन में ज्यादा लेटर है तो फिंकलस्टीन हुआ बड़ा नाम, तो बड़े नाम को लार्जेस्ट से मैच करा दो, और छोटा नाम कौन सा है, स्वार्ट्स, अब छोटे नाम को स्मॉलेस्ट से मैच करा दो। मतलब स्वार्ट्स रिएक्शन में होगा फ्लोराइड का एक्सचेंज और फिंकलस्टीन रिएक्शन में होगा आयोडीन का एक्सचेंज। सिंपल सा है, सिंपल शब्द बोलूंगा, कोई मुश्किल शब्द नहीं बोलूंगा, बिल्कुल आसानी से चलेंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स,
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमारे पास कौन से होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, रेजोनेंस में ही है मीजोमरिक इफेक्ट। अब रेजोनेंस और मीजोमरिक इफेक्ट का क्या लफड़ा है ये आगे जाके रेजोनेंस में देखेंगे। और ये है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं, जो ये पहले तीन है ये है परमानेंट इफेक्ट, और ये जो बेचारा इलेक्ट्रोमेरिक है ये है टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं कि जब भी इंडक्टिव इफेक्ट के साथ डील करेंगे तो याद रखना है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे इसका इफेक्ट डिपेंड करता है, पर रेजोनेंस है ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। और हाइपर कॉन्जुगेशन में तो हम डिस्टेंस की बात करते ही नहीं, उसमें तो अपना जो भी होता है आगे जाके देख लेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट और ये डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता। अब स्टार्ट करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट के साथ, ठीक है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का हो सकता है, प्लस आई या माइनस आई। प्लस आई का सीधा सीधा मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे वो क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे वो शो करेंगे माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। बहुत इजी ट्रिक है, एक कॉलेज की सिंपल सी स्टोरी बताऊंगा, उसी स्टोरी से आपका पूरा टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक कॉलेज में दो बहुत हैंडसम लड़के थे, एक का नाम था फरहान और एक का नाम था सलमान। मतलब फरहान और सलमान जैसा पूरे कॉलेज में कोई भी नहीं था। पर एक दिन क्या हुआ, उस कॉलेज में एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसका नाम था करीना, उसकी एंट्री हुई। तो वो करीना इतनी खूबसूरत थी कि फरहान और सलमान भी उससे बात करने में डर रहे थे, मतलब फरहान और सलमान भी उससे बात नहीं कर पाए। तो अब पूरे कॉलेज में यही फोकस चल रहा है कि खूबसूरत करीना को हेलो कौन बोलेगा, औरों से पहले, मतलब बाकियों से पहले, ठीक है। अब अपनी ट्रिक को हम पेज पे उतार के देखते हैं। देखो नो फरहान नो सलमान, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा औरों से पहले। अब देखो नो फरहान मतलब ना फरहान बोल पाया, नो सलमान मतलब ना सलमान बोल पाया, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा औरों से पहले। देखो बारी बारी से देखते हैं, सबसे पहले है नो फरहान। अब नो से हमने लिया एन और फरहान से हमने लिया एफ आर एच। अब इसको सिंपल मैथ की तरह मल्टीप्लाई कर दो बस। सबसे पहले आ गया एन एफ थ्री आयन, फिर एन आर थ्री आयन, फिर एन एच थ्री आयन, तो सबसे ज्यादा माइनस आई हो जाएगा एन एफ थ्री आयन का, फिर एन आर थ्री आयन का, फिर एन एच थ्री आयन का। तो ये तीन अपने सबसे पहले हो गए। नेक्स्ट आ जाओ फरहान के बाद है नो, नो से हमारे पास आया NO2 ग्रुप, फिर नो के बाद है सलमान, सलमान से हमारे पास आया SO3H ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, फिर नेक्स्ट है कौन, कौन से हमारे पास आया CN, CN मतलब साइनाइड ग्रुप, फिर नेक्स्ट है खूबसूरत, खूबसूरत की स्पेलिंग याद रखना COOH से स्टार्ट हो रही है, तो ये डायरेक्ट ग्रुप आ जाएगा COOH ग्रुप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है करीना, करीना से हमारे पास आया सी ओ आर ग्रुप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हेलो, हेलो से हमारे पास आया हेलोजन, और हेलोजन में वो तो सिंपल हो जाएगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे फ्लोरीन की ज्यादा है तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा माइनस आई, और फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है, ये हेलोजन अपना कवर हो गया। फिर नेक्स्ट है औरों से पहले, औरों में ओ आर फिर ओ एच, पहले ओ आर ग्रुप फिर ओ एच ग्रुप, फिर पहले से हमारे पास आ जाएगा फिनाइल। अब इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। अब देखो हमें माइनस आई का ऑर्डर याद हो चुका है, अब हम बात करते हैं प्लस आई के ऑर्डर के बारे में। देखो इसमें कुछ याद नहीं करना, ऑटोमेटिक है, सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है। कौन सी दो बातें, कि प्लस आई कौन से टाइप के ग्रुप शो करेंगे, इस टाइप के, जैसे इस टाइप के, इस टाइप के मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आपको कुछ ना दिखे, और साफ शब्दों में बोलूं तो अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप, इस टाइप के ग्रुप शो करेंगे प्लस आई। और दूसरी बात है कि जब भी ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, इनकी लड़ाई करवाई जाए, प्लस आई इफेक्ट में होगा ये, इनकी लड़ाई करवाई जाए तो जो सबसे भारी यानी ट्रिटियम है वो जीत जाएगा, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। अब इनसे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।
अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। देखो इसमें आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायन कौन सा ज्यादा स्टेबल है। देखो पूरी केमिस्ट्री में जब भी आपसे कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी पूछी जाए तो ऐसे याद रखना कि ये माइनस जो चार्ज है ये एक तरीके का दुख है। अब इसका दुख कौन कितना घटाएगा इस बेस पे हम स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। देखो ये है NO2 ग्रुप, ये है SO3H ग्रुप, दोनों क्या लगाएंगे माइनस आई, दोनों लगाएंगे माइनस आई, मतलब ये इसका दुख कम कर रहे हैं। ये बात तो क्लियर है कि दोनों इसका दुख कम कर रहे हैं। अब कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है तो हमने इंडक्टिव माइनस आई की ट्रिक में किया था कि NO2 का जो माइनस आई है वो SO3H वाले ग्रुप से क्या होगा स्ट्रोंगर होगा, तो इसका माइनस आई स्ट्रोंग है तो यह इसका दुख भी ज्यादा कम कर देगा तो ये हो जाएगा ज्यादा स्टेबल। ठीक है एक क्वेश्चन देख लेते हैं ये प्लस आई के रिलेटेड। देखो इसमें क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है ना, देखो ये CH3 ग्रुप क्या करेंगे प्लस आई लगाएंगे, CH3 ग्रुप क्या करेंगे प्लस आई लगाएंगे, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। अब यहां पे पूछा गया है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो ऐसे याद करो कि इसको पैसे चाहिए, इसको पैसे चाहिए, इसको पैसे चाहिए, यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देख लो किसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, देखो इसको तीन बंदे पैसे दे रहे हैं और इसको सिर्फ दो बंदे दे रहे हैं और इसको एक ही बंदा दे रहा है, तो इसको तीन बंदे दे रहे हैं तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन बतानी है। अब मैंने क्या बोला कार्बोकटायन की जब भी स्टेबिलिटी पूछी जाए तो ऐसे याद करो इसको पैसे चाहिए, तो सिंपली ये देख लो कौन ज्यादा पैसे दे रहा है। देखो दोनों पैसे दे रहे हैं ये बात तो क्लियर है, दोनों प्लस आई लगा रहे हैं, ये भी प्लस आई ये प्लस आई, दोनों पैसे दे रहे हैं ये बात तो क्लियर है। अब कौन ज्यादा पैसे दे रहा है, देखो ये पैसे तो दे रहा है पर ये गरीब आदमी है, थोड़ा छोटा सा आदमी है, और ये देखो कितना अमीर आदमी है, कितना बड़ा आदमी है, तो अमीर आदमी ज्यादा पैसे दे देगा तो ये हो जाएगा ज्यादा स्टेबल। ठीक है अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो सिंपली ये एक तरीके का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायन का क्वेश्चन है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए तो सिंपल एक काम करो, देखो एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम होता है H प्लस को देना, H प्लस को देना, तो बचा क्या ये माइनस माइनस। अब ये क्या क्वेश्चन बन गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायन, ये माइनस चार्ज जिसमें ज्यादा स्टेबल होगा उसमें क्या हो जाएगी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है सिंपल है। अब देखो ये ग्रुप है कैसा माइनस आई ग्रुप और ये ग्रुप है कैसा प्लस आई ग्रुप। अब ये माइनस चार्ज क्या है इसके पास दुख है और ये दुख इसको घटाना है। अब माइनस आई क्या करेगा इसके दुख को घटाएगा और प्लस आई तो उल्टा इसके दुख को बढ़ा देगा, तो ये दुख घटा रहा है तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा। अब एक और एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन करते हैं, इनमें बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है। तो बेसिक वही है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे पहला काम H प्लस को भेज दो, H प्लस को भेज दो और बचे हुए पे माइनस चार्ज। अब ये क्वेश्चन बन गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायन का, मतलब ये इसके पास दुख है तो जो ज्यादा दुख इसका घटा देगा वो ही ज्यादा स्टेबल है। देखो ग्रुप कौन से हैं, ये माइनस आई, ये माइनस आई शो करेगा, ये माइनस आई शो करेगा। अब माइनस आई इनमें से किसका स्ट्रोंगर होगा, तो सिंपल सी बात है फ्लूरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और हमने ट्रिक में भी किया था कि फ्लूरीन का माइनस आई स्ट्रोंगर है तो ये इसका ज्यादा दुख घटा रहा है, ये बेचारे का थोड़ा थोड़ा कम घटा रहा है, तो ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल कौन सी हो जाएगी ये वाली, तो ज्यादा एसिडिक भी हो जाएगी ये वाली। ठीक है क्लियर है। अब करते हैं एक बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन। देखो बेसिक क्या होता है, बेस क्या होता है, बेस सिंपली होता है कि जो ये लोन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन पेयर है इनको जो डोनेट करेगा, इनको जो डोनेट करेगा है ना। अब कंपेयर कैसे करें, सिंपल सी बात है जो अच्छा डोनेट करेगा है ना, इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जो अच्छा डोनेट करेगा ज्यादा डोनेट करेगा वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है ये बात है। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर जितनी होगी है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो इसमें ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे। अब देखो यहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए अच्छा बेस होने के लिए। देखो ये है
प्लस आई ग्रुप, ये भी है प्लस आई ग्रुप, पर क्या है, ये है थोड़ा अमीर आदमी, ये है थोड़ा अमीर आदमी और ये थोड़ा सा गरीब आदमी है, मतलब ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन देगा और ये यहां इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएगा। तो यहां जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना अच्छा ये डोनेट करेगा, तो उतना अच्छा ये बेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं कि रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट इन दोनों का क्या पंग है। देखो अगर कोई बोल दे कि रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट एक ही बात होती है, जो कि बहुत सारी बुक्स में भी लिखा हुआ है, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। पर कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करेंगे, मैंने इन दोनों को अलग कर दिया। ऐसे याद रखना है कि रेजोनेंस के बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें से एक बच्चा है मीजोमेरिक इफेक्ट। मतलब मैं और क्लियर शब्दों में बोलूं तो हर रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है, बट हर मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। और मीजोमेरिक इफेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं बिल्कुल एक अलग पूरी वीडियो लगेगी उस पर, क्योंकि इसके क्वेश्चन ही बहुत सारे हैं। इसमें हम कवर करेंगे रेजोनेंस। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट को मैं पहचानने का तरीका बता देता हूं। देखो इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंजीन रिंग है, उस पर कुछ भी हो सकता है, मैंने यहां पे कार्बो कटायन बनाया, कार्बो अनायन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ऐसे कोई बेंजीन रिंग पे कहीं भी ऑर्थो मेटा पैरा कहीं भी ग्रुप अटैच है, अब ये ग्रुप प्लस एम बी हो सकता है, माइनस एम बी हो सकता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो वो क्वेश्चन है मीजोमेरिक इफेक्ट का। और रेजोनेंस के क्वेश्चन किस तरीके से है वो देखेंगे। पहले बात करते हैं कि रेजोनेंस होती कब है। ठीक है, तो रेजोनेंस होने की सिर्फ दो कंडीशन आपको याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या कहती है कि ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और इस सी पे या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या लोन पेयर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहली कंडीशन ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, इस सी पे या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या लोन पेयर, इस केस में रेजोनेंस प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये सिंपल सिंपल क्या कहता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब इस तरीके की आपको कहीं ट्रेन मिल जाए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो वो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसमें भी रेजोनेंस प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्लियर बातें हैं, बस इनको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चंस करके देखते हैं, इन दोनों में से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले रेजोनेंस चेक करते हैं, ये दो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन तो इसमें हमें दिख नहीं रही है ना, वो ट्रेन चलती हुई दिख नहीं रही डबल सिंगल डबल सिंगल, तो फर्स्ट वाली चेक करते हैं, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें रेजोनेंस है। ठीक है, और इसमें देखते हैं ए डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, पर इस पे कुछ भी नहीं है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो उससे अगले वाले पे है, मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। तो वही अपनी कंडीशन चेक करते हैं, हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या है ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। और इसमें देखते हैं ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता तो रेजोनेंस प्रेजेंट थी, पर ये दूर है तो इसमें नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट, तो ये ज्यादा स्टेबल। ठीक है, इसमें कैसे स्टेबिलिटी कैसे बतानी है कार्बो कटायन की, सबसे पहले रेजोनेंस चेक करते हैं। देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे है पॉजिटिव चार्ज, मतलब रेजोनेंस इसमें प्रेजेंट होगी। अब इसमें देखते हैं ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी पे है पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी रेजोनेंस होगी। अब इसमें ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी रेजोनेंस है, तीनों में रेजोनेंस प्रेजेंट है। अब कैसे डिसाइड करें, तो सिंपल सी बात है, ये देख लेते हैं किसमें अच्छी रेजोनेंस है किसमें बुरी रेजोनेंस है। ठीक है, अब इसमें देखो रेजोनेंस कितनी अच्छी हो रही है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को कितना अच्छा पूरा रोड मिल गया घूमने के लिए, है ना, तो इसमें वेरी गुड रेजोनेंस। ठीक
ठीक है। और इसमें देखो, इसमें रोड तो मिला इसको डबल सिंगल डबल, पर पूरा नहीं मिला, यहां पे रोड टूट गया, मतलब इसमें रेजोनेंस है गुड, इसमें वेरी गुड, इसमें गुड। अब इसमें देखो, इसमें खाली रेजोनेंस हो रही है, वेरी गुड या गुड नहीं बोलेंगे, खाली रेजोनेंस है। अब इसमें वेरी गुड रेजोनेंस है तो ये ज्यादा स्टेबल, ये गुड है, फिर इससे फिर ये सबसे कम स्टेबल, सिंपल सी बात है। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। पहले रेजोनेंस चेक करते हैं, देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, और इधर से भी ये कंप्लीट हो रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और सी पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होगी। और इसका देखते हैं अब, देखो अब आप यहां गलती क्या करोगे कि ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और सी पे पॉजिटिव चार्ज, पर आप क्या करोगे ये डबल बॉन्ड को इग्नोर कर दोगे जो ठीक इस कार्बन पे है। अब ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये रेजोनेंस नहीं होने देगा, ये एक तरह से ब्लॉक सिस्टम है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, ये कार्बन इधर दूसरी साइड डबल बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, तो इसमें रेजोनेंस अब्सेंट है, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला। अब बात करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है, इसकी सिंपल सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, बॉन्ड, ठीक है, क्या ट्रिक है बॉन्ड। देखो सबसे पहले अप्लाई करना है बी, बी अगर फेल हो जाए तो फिर ओ, और बी एंड ओ दोनों फेल हो जाए तो एन, एंड बी एंड ओ एंड एन ये तीनों फेल हो जाए तो जाना है डी पे। देखो बी क्या बोलता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स गिन लो, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर ये वाला रूल फेल हो जाता है तो हमें जाना है ओ पे। ओ क्या बोलता है कि ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये भी फ्लॉप हो जाता है तो जाना है एन पे। एन क्या बोलता है, दो चीजें बोलता है, सबसे पहले है न्यूट्रलिटी, फिर है नेगेटिविटी। मतलब सबसे पहले न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल होगा वो चार्ज वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होगा, और दूसरा क्या है इसमें नेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सिंपल सा बोलता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है उस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और लास्ट है डी, ये तीनों फ्लोप हो जाए तो लास्ट है डी। ये क्या बोलता है कि देखो सेम चार्ज है, मान लो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, वो दूर होने चाहिए। सिंपल सा है ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, या नेगेटिव नेगेटिव ले लो, है ना, तो सेम चार्ज है वो एक दूसरे से दूर होने चाहिए, और ऑपोजिट जो चार्ज है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है आपस में अट्रैक्ट करेंगे, कॉमन सेंस है, तो वो पास में होने चाहिए। इनमें बताओ कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो सिंपली ये अप्लाई करना है। सबसे पहला रूल क्या कहता है, बॉन्ड, ठीक है, बी ओ एन डी, सबसे पहले बी फिर ओ फिर एन फिर डी। देखो बी क्या कहता है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जिसमें पाई बॉन्ड्स ज्यादा वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, तो पाई बॉन्ड्स गिन लो। देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड्स, एक और दो, इसमें दो, इसमें कितने एक। अब चार्ज वार्ज कुछ देखना ही नहीं आपको, इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा मतलब ये ज्यादा स्टेबल, अपना काम बी से ही चल गया, पहले से ही चल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले अप्लाई करना है बी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं एक, इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं एक और दो, ठीक है। अब देखो सिंपल सा है, और कुछ देखना ही नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा मतलब ये ज्यादा स्टेबल, फिर से अपना काम बी से चल गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सबसे पहले वही सेम रूल है अपना कि सबसे पहले देखते हैं बी, है ना, बॉन्ड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अब इन दोनों में देखो पाई बॉन्ड्स कोई सी में भी नहीं है, है ना, दोनों में पाई बॉन्ड अब्सेंट है, तो बी अपना फ्लॉप हो गया। अब हमें जाना पड़ेगा ओ के ऊपर, यानी ऑक्टेट। तो आप देख रहे हो लगभग दोनों में सेम ही बॉन्ड है, सिंगल 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 सिंगल, तो ऑक्टेट लगभग बराबर ही होंगे इनके, है ना, तो ऑक्टेट वाला भी फ्लॉप हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, न्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, तो इनमें से कोई भी न्यूट्रल नहीं है, इस पे भी प्लस माइनस चार्ज है, इस पे भी प्लस माइनस चार्ज है। अब नेक्स्ट है नेगेटिविटी, नेगेटिविटी क्या बोलती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज स्टेबल होता है। अब इसमें देखो, इसमें नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे और इस पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे। अब आप खुद सोच के बता दो कॉमन सेंस से कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा या कार्बन पे, ऑक्सीजन पे होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो सबसे पहले वही, सबसे पहले बी,
कि पाई बॉन्ड्स जिसमें ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, पाई बॉन्ड्स इसमें भी एक है इसमें भी एक है, तो इससे अपना आंसर नहीं आ रहा। नेक्स्ट फिर चलते हैं, ये फ्लोप हो गया, फिर ओ पे चलते हैं कि ऑक्टेट जिसका कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल, तो लगभग आप गिन के देख लेना लगभग दोनों के सेम ही आएंगे ऑक्टेट, ठीक है, तो इससे भी आंसर नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, दोनों पे एक एक नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल भी नहीं है, चलो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे चलते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसमें देखो ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज और इस पे है नाइट्रोजन पे, तो हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस पे ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, सिंपल सी बातें हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक, ठीक है। देखो इस टॉपिक में अपना लेना देना तीन टाइप के कंपाउंड्स के साथ होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बहुत सारे बच्चे एंटी और नॉन में कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये तो दोनों एक ही बात होनी चाहिए, पर देखो इसको ऐसे समझो, अगर एरोमेटिक धूप है तो एंटी, एंटी मतलब क्या होता है ऑपोजिट, तो ये छांव है और ये क्या है ना धूप ना छांव, नॉन मतलब नहीं, तो ये ना धूप है ना छांव है, ठीक है, ये धूप ये छांव और ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं, मतलब नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए दो पेपर पास करने पड़ते हैं, सेम ऐसे ही किसी भी कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी दो पेपर पास करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड ये पेपर में फेल हो गया या अगर कोई कंपाउंड इन पेपरों में फेल हो गया तो वो आके गिरेंगे कहां पे, नन ऑफ द अबव मतलब नॉन एरोमेटिक में, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब देखो एरोमेटिक के कौन से दो पेपर हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए और इसी को हम क्या बोलते हैं हकल्स रूल, ठीक है, है ना, कंपाउंड में क्या होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या लफड़ा है ये भी पूरा क्लियर करेंगे, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, और प्लस ये क्या है CR क्या है कंटिन्यूअस रेजोनेंस होनी चाहिए, ठीक है, दोनों पेपर में ये पास होना चाहिए तब जाके कोई कंपाउंड एरोमेटिक बनेगा। और एंटी एरोमेटिक का क्या है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 4n+2 और इसमें 4n प्लस कंटिन्यूअस रेजोनेंस इसकी जैसे, तब जाके कोई कंपाउंड क्या होगा एंटी एरोमेटिक होगा, और इनमें कोई फेल हो गए तो क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखो अगर मैं 4n+2 और 4n को सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। देखो सिंपली क्या किया, n की वैल्यू 0 रख दो तो आंसर 2 आ जाएगा, 1 रख दो तो 6 आ जाएगा, ऐसे ही n की वैल्यू चेंज करते जाओ, और ये किसके लिए था 4n+2 एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, और 4n वही n की वैल्यू चेंज करते जाओ और ये किसके लिए था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि एग्जाम में हम बार बार ये नहीं करेंगे 4n+2, सीधा ये थोड़ा सा आइडिया याद रखेंगे 2, 6, 10, 14 और ये 0, 4, 8, 12, 16, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी ये कैसे काउंट करने हैं, देखो इसका क्लियर कट मेथड बता देता हूं, कोई भी कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होगी। देखो कोई भी आपको कंपाउंड दिया गया है, कोई भी कंपाउंड दिया गया है, मान लो ये कंपाउंड है, ठीक है, इसमें बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सिंपल ये फ्लो याद रखना है, देखो कोई भी डबल बॉन्ड जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन देके जाता है, देखो यहां पे ये डबल बॉन्ड है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। कोई भी माइनस चार्ज होता है वो दो इलेक्ट्रॉन देके जाता है, इस प्लस चार्ज की जगह अगर माइनस चार्ज होता तो वो दो इलेक्ट्रॉन देके जाता। कोई भी लोन पेयर होता है वो भी दो इलेक्ट्रॉन देके जाता है, और कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो जीरो मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे जीरो काउंट होंगे, क्लियर बात है, दो 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 पॉजिटिव चार्ज का जीरो याद रखना है, ठीक है, क्लियर बात है। अब हम क्वेश्चंस करके देखते हैं, देखो ये कंपाउंड आपके सामने रख दिया, बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है, तो देखो बिल्कुल बेसिक स्टेप से चलना है, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए दो पेपर पास करने पड़ते हैं, तो पहले इसको पहला पेपर देखते हैं ये पास करेगा कि नहीं, ठीक है, क्या करना है सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो हमने बात की थी कि डबल बॉन्ड कितने देके जाएगा दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज कितने देके जाएगा जीरो, तो इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बने दो पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देख लो ये किसको फॉलो कर रहा है, देखो दो ये फॉलो कर रहा है एरोमेटिक वाले को, मतलब इसने ये पहला पेपर पास कर लिया। अब दूसरा पेपर है कंटिन्यूअस रेजोनेंस, देखो
कंटिन्यूअस रेजोनेंस क्या होती है, ट्रेन चलानी है, सिंपली क्या करना है, ट्रेन चलानी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस ट्रेन को याद रखना है। अब इस ट्रेन में एक खास बात है, देखो जहां भी आपको पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दिखे उसको ये ट्रेन चलाते हुए उसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो, उसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो। अब देखो इसमें देखते हैं हम ट्रेन चल रही है कि नहीं। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब ट्रेन चल रही है, मतलब इसमें सी आर यानी कंटिन्यूअस रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो इसने पहला पेपर भी पास किया, दूसरा पेपर भी पास किया, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। क्लियर बात है। अब देखो एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इसके बारे में बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले एरोमेटिक के लिए क्या, ये पहला पेपर देखते हैं ये पास कर रहा है कि नहीं, कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देखो डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, पता है ना कहां से पता चला हमें, इससे पता चला डबल बॉन्ड कितने देता है, 2 देता है, और माइनस चार्ज भी कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 देता है, तो टोटल कितने हो गए इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें से देख लो ये किसको फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, ये एंटी एरोमेटिक वाले को, मतलब ये एरोमेटिक तो नहीं है, ये बात तो क्लियर है। अब एंटी एरोमेटिक चेक करते हैं कि ये है कि नहीं। एंटी एरोमेटिक का इसने पहला पेपर पास कर लिया, दूसरा पेपर है सीआर यानी कंटिन्यूअस रेजोनेंस, और मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दिखे उसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो। अब ट्रेन चला के देखते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब ट्रेन चल रही है, सीआर यानी कंटिन्यूअस रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड हुआ एंटी एरोमेटिक, क्योंकि इसने एंटी एरोमेटिक के दोनों पेपर पास कर लिए। ठीक है, क्लियर बात है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इसके बारे में बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं। पहला टेस्ट कौन सा है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, डबल बॉन्ड देगा 2, डबल बॉन्ड देगा 2, माइनस चार्ज देगा 2, मतलब टोटल कितने हुए, 6। तो देखो एरोमेटिक के लिए 6 यहां पे आ रहा है, मतलब इसने एरोमेटिक का पहला पेपर पास कर लिया। दूसरा पेपर है सीआर यानी कंटिन्यूअस रेजोनेंस, और मैंने बोला था पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो सीआर देखते हुए। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब इसमें सी आर प्रेजेंट है, मतलब इसने एरोमेटिक के दोनों पेपर पास कर लिए, तो ये कंपाउंड है एरोमेटिक। ठीक है, क्लियर बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो सिंपल वही बेसिक स्टेप से चलना है, पहला टेस्ट देखते हैं। सबसे पहले देखो डबल बॉन्ड देगा 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड देगा 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज देगा, पॉजिटिव चार्ज देगा 0 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात है। अब देखो टोटल कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां देख लेते हैं इसने किसको फॉलो किया, इसने फॉलो किया एंटी एरोमेटिक वाले को, मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये एरोमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है। एंटी एरोमेटिक चेक कर लेते हैं। अब क्या चेक करना है, एंटी एरोमेटिक के लिए इसने पहला पेपर पास कर लिया, दूसरा है सीआर, और सीआर के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देंगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब ये सीआर शो कर रहा है, मतलब ये कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो एक और कंपाउंड है, देखो इसके बारे में बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या है अपना, सिंपली पहला पेपर देखते हैं, 4n+2 किसको फॉलो कर रहा है। देखो डबल बॉन्ड देगा 2, डबल बॉन्ड देगा 2, डबल बॉन्ड देगा 2, टोटल हुए 6, टोटल 6, मतलब ये एरोमेटिक का पहला पेपर पास कर गया। दूसरा है सीआर, सीआर देख लेते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, सीआर भी प्रेजेंट है, मतलब ये एरोमेटिक के दोनों पेपर पास कर गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, खूब क्वेश्चन करेंगे। देखो ये 7 मेंबर रिंग है, ठीक है, अब इसको बताओ एरोमेटिक है या नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉन गिनो, देखो डबल बॉन्ड देगा 2, डबल बॉन्ड देगा 2, डबल बॉन्ड देगा 2, और पॉजिटिव चार्ज कितने देगा, पॉजिटिव चार्ज कितने देगा, 0, 0, यहां पे गलती होगी, नेगेटिव देता है 2, पॉजिटिव देता है 0। ठीक है, क्लियर है। तो इसने कितने है टोटल, 6, तो इसने एरोमेटिक का पहला पेपर तो पास कर लिया। ठीक है ना, क्लियर है ना, 6 है, मतलब ये एरोमेटिक का पहला पेपर पास कर गया। दूसरा पेपर है कौन सा, सीआर, सीआर देख लेते हैं,
सीआर करते हुए क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देना है। अब ट्रेन चलानी है, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब सी आर इसमें प्रेजेंट है, तो ये एरोमेटिक के दोनों पेपर पास कर गया, तो ये है एरोमेटिक कंपाउंड। अब एक और लास्ट एग्जांपल करके देख लेते हैं। देखो ये क्या है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन पे ये क्या है, लोन पेयर है, तो ये देखते हैं एरोमेटिक है या नहीं है। तो एरोमेटिक का पहला पेपर देखो, हर बार बिल्कुल बेसिक स्टेप से जाना है, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं। पहला पेपर क्या है, 4N+2, डबल बॉन्ड देगा दो, डबल बॉन्ड देगा दो, और लोन पेयर कितने देगा, याद करो मैंने क्या बताया था, लोन पेयर कितने देगा, दो इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इसने एरोमेटिक का पहला पेपर पास कर लिया, और दूसरा पेपर है सीआर। अब सीआर देख लेते हैं, देखो इसमें भी क्या करना है, सेम वही काम करना है, क्या करना है, लोन पेयर आ गया, देखो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, या लोन पेयर मतलब कुछ अलग सी स्पीशी हो, अलग सा हो, तो उसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब सी आर भी प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन नाम सुनते ही पहला क्वेश्चन माइंड में क्या आना चाहिए, कि पूरी केमिस्ट्री में कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो सकता है। तो पूरी केमिस्ट्री में तीन ही टाइप के ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, पहले कार्बोकटायंस, दूसरे फ्री रेडिकल्स, और तीसरे एल्कीन्स। कार्बोकटायंस, फ्री रेडिकल्स एंड एल्कीन्स, यही तीन टाइप के कंपाउंड हैं जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो सकता है। यहां तक क्लियर है, अब आगे चलते हैं। देखो अभी तक हमने बात की कि कार्बोकटायंस, फ्री रेडिकल्स एंड एल्कीन्स यही तीन टाइप के कंपाउंड हैं जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो सकता है। पर देखो अब ऐसा तो नहीं होगा कि सारे कार्बोकटायंस में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, या सारे फ्री रेडिकल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, या सारे एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इनमें भी, इन तीनों में भी कोई एक कंडीशन होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है, कि वो रिक्वायरमेंट जब पूरी होगी तभी इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब क्या रिक्वायरमेंट है, देखो कि इन तीन टाइप के कंपाउंड्स में हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने के लिए sp3 कार्बन से एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, कि sp3 कार्बन से कम से कम मिनिमम बोल लो, कम से कम बोल लो, एटलीस्ट बोल लो, एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, किससे अटैच, sp3 कार्बन से। इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो कोई बात नहीं, अभी आगे एग्जांपल करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। देखो आपको पूरी केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए और बोला जाए कि इसमें से उसके अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ के बताओ, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, उस कंपाउंड में आपको ढूंढना है उस कंपाउंड का एक्टिव सेंटर। ठीक है, उस कंपाउंड का एक्टिव सेंटर, ये भी आगे अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। एक्टिव सेंटर से जो अगला कार्बन है वो होगा अल्फा कार्बन, अल्फा से जो अगला कार्बन है वो होगा बीटा कार्बन, बीटा से अगर आगे कोई है वो होगा गामा, फिर आगे ऐसे चलते जाओ। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो हुआ अल्फा हाइड्रोजन, ये भी हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है बीटा हाइड्रोजन, ये भी हो जाएगा बीटा हाइड्रोजन, ये भी हो जाएगा बीटा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन हमें समझ में आ गया, एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से बताओ किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, अब इनमें चेक करना है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, या तो कार्बोकटायन होना चाहिए, या फ्री रेडिकल होना चाहिए, या एल्कीन होना चाहिए। तो फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट वाला है एल्डिहाइड, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें नहीं हो सकती। सेकंड है एल्कोहल, इसमें भी नहीं हो सकती। थर्ड है क्या है, एल्कीन, तो इसमें हो सकती है। ठीक है, ये है कार्बोकटायन, तो इसमें भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है।
ये है कार्बो अनायन, इसमें भी नहीं हो सकती। ये है फ्री रेडिकल, मतलब इसमें भी पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट टेस्ट में ये वाले तीन पास हो गए। अब सेकंड टेस्ट क्या है कि ऐसे एल्कीन या ऐसे कार्बोकटायन या ऐसे फ्री रेडिकल जिनमें sp3 कार्बन से एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब इसमें देखो मैंने क्या बोला था, अल्फा हाइड्रोजन में हमें पकड़ना है एक्टिव सेंटर। अब इसमें देखो एक्टिव सेंटर कौन सा है, ये है डबल बॉन्ड, तो एक्टिव सेंटर इसका हो गया ये वाला, सिंपल है। इसमें देखो एक्टिव सेंटर क्या बनेगा, जहां पे कार्बोकटायन बन रहा है ये हो गया इसका एक्टिव सेंटर, और इसका एक्टिव सेंटर क्या बनेगा, ये जहां पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है ये हो गया इसका एक्टिव सेंटर, ठीक है। अब एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन है वो है अल्फा कार्बन, इसमें एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, इसमें ये वाला अल्फा कार्बन, ठीक है। अब अगली बात क्या थी कि अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर है इतना। अब देखो sp3 कार्बन देखना है, ठीक है, sp3 कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, तो ये वाला कार्बन sp3 है, बिल्कुल है, ये वाला कार्बन sp3 है, बिल्कुल है, ये वाला कार्बन sp3 है, बिल्कुल है, तो हाइपर कंजुगेशन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इतना क्लियर है, बिल्कुल बेसिक्स है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी के लिए सिंपल याद रखना है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, मोर दी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर दी स्टेबिलिटी, बस खत्म। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब हमारे मन में लालच आएगा कि डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन गिन लेते हैं, जिसमें ज्यादा हुए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और यहीं हम अपना क्वेश्चन गलत करवा के आ जाएंगे। हमें हर बार हाइपर कॉन्जुगेशन के हर क्वेश्चन में बेसिक स्टेप से चलना है। यहां पे तो मैंने कार्बो कटायन बनाया, पर यहां पे कार्बो अनायन लिख देता और आप भाग के क्या गिनते, अल्फा हाइड्रोजन। तो तीन टाइप के कंपाउंड में होती है, कार्बो कटायन, एल्कीन एंड फ्री रेडिकल्स। तो ये कार्बो कटायन है, मतलब पहली रिक्वायरमेंट पूरी है। दूसरी रिक्वायरमेंट, मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए sp3 कार्बन से अटैच, तो तीनों में वो भी कंप्लीट हो रहा है, मतलब यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों में प्रेजेंट है। अब हम काउंट करेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें देखो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, तीन, इसमें कितने, सिक्स, इसमें कितने, नाइन, तो इसमें नाइन अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या देखना है, बेसिक स्टेप, हाइपर कॉन्जुगेशन हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो एल्कीन है तो हाँ, फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी है, और सेकंड रिक्वायरमेंट, मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन, मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड, sp3 कार्बन से। तो ये सारे कार्बन है sp3, और ये रेड वाले जो टिक कर दिए ये है अल्फा हाइड्रोजन। अब हम काउंट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं, थ्री, ठीक है, ये हो गया इसका एक्टिव सेंटर, तो एक्टिव सेंटर से नेक्स्ट कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, इसमें कितने हैं, थ्री प्लस थ्री, तो इसमें सिक्स है, इसमें कितने हैं, ये हो गया इसका एक्टिव सेंटर, तो ये थ्री, ये थ्री, ये थ्री, इसमें है नाइन, तो इसमें नाइन है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला, ठीक है, सिंपल है। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के रिलेटेड ही एक टॉपिक होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, और ये किसमें होता है, एल्कीन्स में। आपको याद सिर्फ इतनी सी बात रखनी है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एल्कीन की स्टेबिलिटी के। और अभी अभी हमने किया था हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हुए कि स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो जाएगी, ठीक है, इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिंपल क्या होता है, दो एल्कीन दे देंगे आपको कि बताओ किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी, तो सिंपल सी बात है, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी। और स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी। अब देखो इसका एक्टिव सेंटर क्या है, ये है एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और कितने हैं इसमें, तीन अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें चेक करते हैं इसका एक्टिव सेंटर क्या है, ये है एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन
अल्फा हाइड्रोजन, इससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें कम है मतलब ये ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी ज्यादा हो जाएगी, है ना, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी ज्यादा हो जाएगी। अब देखो हमने इंडक्टिव इफेक्ट को भी पढ़ लिया, हमने रेजोनेंस को भी पढ़ लिया, हमने एरोमेटिसिटी को भी पढ़ लिया, हमने हाइपर कंजुगेशन को भी पढ़ लिया, पर अब यहां पे दिक्कत एक है कि मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन या स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा यूज करें, है ना, क्वेश्चन में लिखा थोड़ी हुआ होगा कि रेजोनेंस का क्वेश्चन है भाई रेजोनेंस लगा दो और ये हाइपर कंजुगेशन का इसमें ये लगा दो, तो आपको पता कैसे चलेगा, आप स्टेबिलिटी कंपेयर कैसे करोगे, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, कुछ नहीं करना, क्या करना है ए आर रहमान को हाय बोलना है, ए आर रहमान को हाय बोलना है, मतलब देखो ए से क्या है एरोमेटिसिटी, आर से क्या है रेजोनेंस, एच से क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, आई से क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, तो कोई भी अब क्वेश्चन आए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन या स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो सबसे पहले आपको ये ट्रिक लगानी है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये मैं किस तरीके से बोल रहा हूं, आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा वो आपको पता लग जाएगा आइडिया, ठीक है। अभी तक क्या था, हम जैसे इंडक्टिव इफेक्ट करके सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के ही क्वेश्चन कर रहे थे, रेजोनेंस करके रेजोनेंस के ही रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, पर अब हम इनके सबके मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। देखो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताओ कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, हमने एरोमेटिक में पढ़ा था ना कैसे देखते हैं एरोमेटिक, ये है एरोमेटिक कंपाउंड, ये है एरोमेटिक कंपाउंड, और इसमें क्या हो रही है, इसमें रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस कैसे, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, ठीक है, इसमें रेजोनेंस हो रही है, इसमें रेजोनेंस हो रही है। अब अपनी ट्रिक के हिसाब से देख लो, देखो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल फिर रेजोनेंस, मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बताओ कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है, देखो इसमें देखो चेक करो इसमें क्या हो रही है, देखो एरोमेटिक तो है नहीं, ये एरोमेटिक तो है नहीं, देखने से ही पता लग रहा है, फिर क्या है रेजोनेंस चेक करते हैं, देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और सी पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें है रेजोनेंस। अब इसमें देखो ना ये एरोमेटिक है ना इसमें रेजोनेंस हो रही है, तो अगला क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें होती है एल्कीन में, कार्बोकटायन में और फ्री रेडिकल में, और चेक कैसे करना है, देखो इसका एक्टिव सेंटर ढूंढो, एक्टिव सेंटर क्या है जिसपे चार्ज है, ये चार्ज है, ठीक है, इससे अगला कार्बन, इससे अगला कार्बन क्या होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होंगे अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस को जब कंपेयर करते हैं तो अपनी ट्रिक में क्या है रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल है, सिंपल है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो बिल्कुल बेसिक रूल से चलना है, सबसे पहले चेक करेंगे कि कोई एरोमेटिक तो नहीं है, तो इन दोनों में से कोई भी एरोमेटिक नहीं नजर आ रहा, फिर है कि कहीं रेजोनेंस तो नहीं हो रही, तो देख लो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर चलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, या एल्कीन या कार्बोकटायन या फ्री रेडिकल, और ये दोनों है फ्री रेडिकल, मतलब फ्री रेडिकल है तो इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, अभी मैंने बोला है हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या है अल्फा हाइड्रोजन की, देखो इसका ये वाला एक्टिव सेंटर, इसका ये वाला एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन अल्फा कार्बन और ये हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन, अब इसको देखते हैं, ये है एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के पास आप देख पा रहे हो कि एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है तो इसमें सिंपली सिंपली क्या लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा सिर्फ। अब देख लो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन जीता, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये हो गया ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है।
अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे ठीक है। इसमें बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकटायन है। तो देखो इसमें तीन फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें दो फिनाइल ग्रुप, इसमें एक फिनाइल ग्रुप। और एक बात क्लियरली तो देखने से ही पता लग रही है, जो आप देखते ही बता दोगे कि तीनों में रेजोनेंस तो हो रही है ठीक है। अब कैसे कंपेयर करें, देखो चार्ज एक तरीके का दुख होता है, चार्ज एक तरीके का दुख होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। अब ये यहां पे एक जगह पे पड़ा रहेगा तो ये दुख इसका कम नहीं होगा, पर इसको, इस दुख को यानी इस चार्ज को अगर घूमने की जगह मिल जाए, है ना, घूमने की मतलब रेजोनेंस की जगह मिल जाए, तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल थोड़ा सुखी हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा इसको चार्ज को घूमने की जगह मिलेगी उतना ये खुश हो जाएगा। अब इसमें देखो इसको घूमने के लिए मतलब रेजोनेंस के लिए सिर्फ एक पार्क मिल रहा है घूमने के लिए, और इसमें रेजोनेंस के लिए मतलब घूमने के लिए दो पार्क मिल रहे हैं, और इसमें तीन पार्क मिल रहे हैं। तो इसमें तीन पार्क तो इसके मजे हो गए, मतलब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल और इसमें सबसे कम स्टेबल। क्लियर है? मैं सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा और एक ट्रिक से हम चार पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया ठीक है। सेकंड पॉइंट कि जो कंपाउंड्स प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं उनका ऑर्डर अरेंज करो ठीक है। थर्ड पॉइंट कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, और फोर्थ पॉइंट कि जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं उनको ऑर्डर में अरेंज करो ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक के साथ। देखो दो लड़की है, दोनों का नाम है नेहा, एक है नेहा नेहरा एक है नेहा कौर, कौर की यही स्पेलिंग याद रखेंगे सी ओ आर ठीक है। दोनों का नेम जो है वो सेम है और सरनेम अलग है, पर क्या होता है कि लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये दिखती भी एक जैसी है, दोनों का नाम भी सेम है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सी नेहा नेहरा है और कौन सी नेहा कौर है ठीक है। तो लोग मेरे पास आए कि यार ऐसा क्या करें कि हम इनको पहचान ले कि कौन सी नेहा नेहरा है और कौन सी नेहा कौर है। तो मैंने एक सिंपल सा सॉल्यूशन दिया कि क्या करो, कि तुम क्या करो, सिंपली क्या करो, एक को एसिड में डाल दो एक को बेस में डाल दो ठीक है। मतलब पीएच के बेस पे हम डिसाइड कर लेंगे, एक को एसिड में डाल दो एक को बेस में डाल दो, एक हो जाएगी एसिडिक एक हो जाएगी बेसिक। तो सिंपली हमने क्या किया, नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लिया। इतनी सी सिंपल ट्रिक है बस। अब देखो मैंने क्या एडवाइस दी थी कि ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लो। एक बार फिर से, ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लो। एक बार फिर से पूरी ट्रिक कर लेते हैं ठीक है। एक लड़की का नाम था नेहा नेहरा, एक का था नेहा कौर, दोनों का नाम सेम है नेहा नेहा, तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सी नेहा नेहरा है कौन सी नेहा कौर है। तो लोग मेरे पास आए कि भाई बता क्या करें, तो मैंने उनको एडवाइस दी कि सिंपली क्या करो, उनको पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लो ठीक है। मैंने क्या एडवाइस दी कि ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लो। अब करते हैं एक मजे की बात। देखो अभी तक हमने सिर्फ एक ट्रिक की है और इस ट्रिक ने आपका क्या क्या कवर करा दिया ये मैं बता रहा हूं अभी ठीक है। पहला क्वेश्चन कि ऐसे कंपाउंड्स बताओ जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कंपाउंड्स बताओ जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, तो जो इस लिस्ट में नहीं है वो क्या शो करेंगे, माइनस एम। क्लियर है ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कि प्लस एम जो शो करते हैं उनका ऑर्डर लगा के बताओ कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा, उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि माइनस एम इफेक्ट जो शो करेंगे उनका ऑर्डर बताओ। अब देखो लास्ट है कि माइनस एम के ऑर्डर को कैसे याद करें। देखो हमें अपनी प्लस एम वाली ट्रिक से पता लग गया कि ये वाले जो कंपाउंड्स यहां पे लिखे हुए हैं कि ये अपनी प्लस एम की ट्रिक में नहीं थे, मतलब ये माइनस एम शो करेंगे। पहली बात क्लियर है। अब इनके ऑर्डर के रिलेटेड सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा, एक पॉइंट बताऊंगा, उसी पॉइंट को ध्यान में रख लेना, उससे अलग आपसे माइनस एम का ऑर्डर नहीं पूछा जाएगा। देखो सिंपल सा पॉइंट है, जिन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है, जैसे NO2 ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, जिन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है और वो माइनस एम शो करते हैं तो उनका माइनस एम इफेक्ट होगा ज्यादा, और जिनमें सिर्फ कार्बन है ऑक्सीजन है मतलब नाइट्रोजन नहीं है उनका माइनस एम होगा कम। बस इतनी सी बात याद रखनी है।
अब हम करने वाले हैं मीजोमरिक इफेक्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। देखो मीजोमरिक इफेक्ट के क्वेश्चंस करने से पहले हमेशा ध्यान रखो कि ये जड़ी बूटी हमारे पास होनी चाहिए, हमेशा हर क्वेश्चन में ये जड़ी बूटी अप्लाई करके देखनी है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन गलत होगा वो यहीं से होगा, ठीक है। देखो इसमें तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि मेटापोजिशन पे मीजोमरिक इफेक्ट नहीं होता, मेटापोजिशन पे मीजोमरिक इफेक्ट नहीं होता, एम फॉर मेटा एम फॉर मीजो नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो CH3 ग्रुप होता है ना, CH3 ग्रुप, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं याद रखना, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन वॉन्जुगेशन सब भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखना है कि CH3 ग्रुप प्लस M शो करता है, पर जो भी हमने अभी अपनी ट्रिक में प्लस M वाले ग्रुप किए ना, उन सब से इसका प्लस M वीक होता है, ठीक है, प्लस M शो करता है, पर इसका प्लस M जो भी हमने प्लस M वाले ग्रुप किए उनसे इनका प्लस M कमजोर होता है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट है कि जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस सिर्फ और सिर्फ माइनस आई शो करेंगे, है ना, वैसे प्लस एम भी शो करते हैं, पर उनके प्लस एम पे हमने क्रॉस मार देना है, मतलब उनका प्लस एम काउंट ही नहीं करना, जो भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हेलोजेंस जहां भी दिखा सिर्फ और सिर्फ माइनस आई से क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। पहला पॉइंट, मेटापोजिशन पे मीजोमरिक इफेक्ट नहीं होता। दूसरा पॉइंट, CH3 ग्रुप जो होता है वो प्लस एम शो करता है और इसका प्लस एम सबसे कमजोर होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, जो हेलोजेंस होते हैं उनका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ माइनस आई से सॉल्व करना है, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये है अपना पहला क्वेश्चन। अब देखो हर क्वेश्चन, कोई भी मीजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले चेक करना है कि ये है ना, कि इनमें से कुछ तो नहीं आ गया, मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक। अब यहां पे देखो ये पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो, ये होती है मेटा, और ये पैरा। अब ये दोनों लगे हुए पैरा पे, मतलब पहला तो केस नहीं है, दूसरा CH3 वाला केस भी नहीं है, तीसरा हेलोजन वाला केस भी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कोई भी क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखो, पहले लगाएंगे मीजोमरिक इफेक्ट, पहले लगाएंगे मीजोमरिक इफेक्ट, उससे आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो जाएंगे इंडक्टिव पे, ठीक है। पहले लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ मीजोमरिक इफेक्ट, ठीक है। अब देखो ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, हमें पता है कैसा ग्रुप है, प्लस एम वाला ग्रुप है। और ये कैसा ग्रुप है, देखो पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो जल्दी जल्दी होंगे, ठीक है। ये कैसा ग्रुप है, ये है माइनस एम ग्रुप, ठीक है। अब देखो हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन मतलब क्या है, सीधा सीधा ये देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा मजे में है, कौन सा ज्यादा सुखी है। अब देखो ये है यहां पॉजिटिव चार्ज, मतलब इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई चाहिए सुखी होने के लिए। अब देखो ये है प्लस एम, देखो प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना और एम का मतलब है मीजोमरिक इफेक्ट के थ्रू, माइनस का एम, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और एम का मतलब है मीजोमरिक इफेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये प्लस एम मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये माइनस एम मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसने दिए, और इसके पास भी कमी थी इलेक्ट्रॉन की और इसने उल्टा खींच और लिया उससे, है ना, इसके पास पहले ही कमी थी इसने खींच भी लिए, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये उसको सुखी कर रहा है, उसको मजे दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही मैंने क्या बोला था, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये लगा के देखना है, मेटा पे मीजो नहीं होता। अब कोई भी मेटा पोजीशन पे नहीं है, CH3 भी नहीं है, हेलोजन भी नहीं है, तो अब आगे हम प्रोसीड इसमें कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मीजोमरिक इफेक्ट देखना है, इंडक्टिव के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, अगर आपका आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप, और ये कैसा ग्रुप है, ये भी प्लस एम ग्रुप है, ठीक है। इंडक्टिव देखना ही नहीं है, पहले आंसर नहीं आया तो इंडक्टिव पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकटायन की, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये भी प्लस एम थ्रू, ये भी प्लस एम के थ्रू दे रहा है और ये भी प्लस एम के थ्रू दे रहा है, तो जो ज्यादा दे देगा वो इसको ज्यादा सुखी कर देगा। तो हमने ऑर्डर में ट्रिक में देखा था कि ये वाला ग्रुप जो है ये इससे स्ट्रॉन्ग मीजोमरिक है ना, ये इससे आगे था ट्रिक में, तो इससे स्ट्रॉन्ग है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का ही क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला था, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये चीजें देखनी है, क्योंकि यही क्वेश्चन गलत करवाएंगे, ठीक है। अब देख लो मेटा पे मीजो शो नहीं होता, देखो पहले दूसरा तीसरा चेक कर लेते हैं, CH3 तो कहीं भी नहीं है, हेलोजन भी नहीं है। अब यह है मेटा पे मीजो नहीं होता। अब देख लो ये कौन सी पोजिशन है, पैरा, ये कौन सी पोजिशन है, ऑर्थो, और ये है मेटा, मतलब यहां पे मीजोमरिक इफेक्ट शो नहीं होगा, ठीक है। और यहां पे कैसा होगा, यहां पे मीजोमरिक
पॉलीमरिक होगा और कैसा होगा इस ग्रुप का, ओआर ग्रुप का प्लस एम, ये भी ओआर ग्रुप है और यहां भी होगा प्लस एम, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकटायन की, स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकटायन की, मतलब इसको सुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब सिंपल है, मैंने क्या बोला, तब तक इंडक्टिव पे नहीं जाना जब तक अपना काम चल रहा है। अब मीजोमरिक से देखते हैं अपना कितना काम चल रहा है। देखो ये मीजोमरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, ये भी मीजोमरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, पर इसमें तो मीजोमरिक हो ही नहीं रहा तो ये कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इन दोनों ने सप्लाई किए, तो एक बात तो क्लियर है कि ये मिनिमम स्टेबल है ना, इसको सुख मिल रहा है, इसको भी सुख मिल रहा है, पर इसको कुछ नहीं मिल रहा, तो ये तो है मिनिमम स्टेबल। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करें, अब देखो इसमें भी प्लस एम है और इसमें भी प्लस एम है, और हमने एक फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि मीजोमरिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कभी भी नहीं करता, है ना। अब आप बोल दो देखो ये पोजीशन बिल्कुल इसके पास है, ये पोजीशन इसके कितनी दूर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना इसका प्लस एम उतना ही इसका प्लस एम, मतलब इसके प्लस एम से इसका प्लस एम कैंसिल हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, अब करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखो ओआर ग्रुप का कैसा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, माइनस आई, और इसका भी ओआर है तो ये भी माइनस आई। अब माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, है ना, माइनस का मतलब खींचेगा और आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। अब इसके पास पहले ही कमी है, पहले ही कमी है तो ये और खींच लेंगे, है ना। तो अब देखते हैं कौन ज्यादा सुखी है कौन ज्यादा दुखी है। देखो ये है बिल्कुल इसके पास तो ये इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और ये है इसके बहुत दूर मतलब इसके कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, तो इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसको ज्यादा दुखी कर देगा, ये कम खींच पाएगा तो ये कम दुखी होगा, क्लियर बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो फिर से वही बेसिक स्टेप से चलना है, कहीं ये कंडीशन तो नहीं आ गई, तो CH3 भी कहीं नहीं दिख रहा, हेलोजन्स भी कहीं नहीं दिख रहे, और मेटा पोजीशन पे मीजोमरिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देख लो मेटा पोजीशन ढूंढ लो, पहले देखो ये भी मेटा पे, ये भी मेटा पे, मतलब इनमें मीजोमरिक इफेक्ट शो नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें मीजोमरिक होगा, इसमें मीजोमरिक होगा, और कैसा मीजोमरिक होगा, इसमें माइनस एम, और इसमें कैसा होगा प्लस एम, ओआर ग्रुप का प्लस एम, ठीक है। अब स्टेबिलिटी देखनी है कार्बन अनायन की, कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, मतलब क्या है, इस कार्बन अनायन को सुखी होने के लिए चाहिए कि कोई इसके ये नेगेटिव चार्ज को खींच ले, ठीक है। अब देखो हमें इंडक्टिव पे जब तक नहीं जाना तब तक जरूरत ना पड़े। अब देखो ये माइनस एम के थ्रू इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, मतलब इसको सुखी कर रहा है, और ये देखो प्लस एम के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इसको दुखी कर रहा है, दुखी कर रहा है, ठीक है। अब देखो मीजोमरिक इफेक्ट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव पे, है ना, मतलब जहां पे ये आ जाएगा ना इसकी कोई औकात नहीं होती, है ना। तो पहला आंसर अपना क्या बन गया, देखो इससे इसको स्टेबिलिटी मिल रही है तो ये तो हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल, और ये इसको अनस्टेबल कर रहा है तो ये हो जाएगा सबसे कम स्टेबल, तो ये हमारा पहला आंसर आएगा मीजोमरिक इफेक्ट से। अब देखो इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, ना इसमें मीजोमरिक है ना इसमें मीजोमरिक है, तो हमें जाना पड़ेगा कहां, इंडक्टिव पे। ये कैसा इंडक्टिव लगाएगा, माइनस आई, और ये भी कैसा लगाएगा, माइनस आई, ठीक है। अब देखो माइनस आई का मतलब ये इसका ये चार्ज खींच रहे हैं, पर हमने इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर में किया था कि NO2 ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा होता है OR ग्रुप से, ठीक है। तो इसका इंडक्टिव ज्यादा तो इसके ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मतलब ये इसको ज्यादा सुखी कर देगा, ठीक है। तो ये अपना ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एसिड स्ट्रेंथ का, कि बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, देखो एसिड क्या होता है, कोई भी एसिड क्या होता है, जो H+ को डोनेट करता है, जो H+ को डोनेट करता है। अब यहां से ये H+ जाएगा तो यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस क्वेश्चन को क्या करो, कार्बन अनायन की तरह ट्रीट करो, है ना, कार्बन अनायन की तरह, मतलब ये नेगेटिव चार्ज जिसमें ज्यादा स्टेबल होगा वही हो जाएगा ज्यादा एसिडिक, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ये क्या शो करेगा माइनस एम, ये क्या शो करेगा प्लस एम, इंडक्टिव देखना ही नहीं है अगर अपना आंसर आ गया तो, ठीक है। देखो इसको चाहिए इसका कोई चार्ज खींच ले, अब ये माइनस एम के थ्रू खींचेगा और ये प्लस एम के थ्रू इसको उल्टा अनस्टेबल कर देगा, है ना, तो ये हो जाएगा ज्यादा
एसिडिक, क्लियर बात है ना, इसने इसका चार्ज खींच लिया। और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है एसिडिक स्ट्रेंथ का, इसमें बताओ कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम। अब हम यहां पे गलती क्या करेंगे कि मीजो यहां पे मेटा पोजीशन को पकड़ेंगे हम, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। देखो मैंने क्या बोला था, हैलोजन्स के केस में सिर्फ और सिर्फ माइनस आई को देखना है, मीजोमेरिक को भूल जाना है। मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ माइनस आई और माइनस आई लगाना है, मीजो ऑर्थो पैरा का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है तो क्या करना है, ऑक्सीजन पे सीधा सीधा नेगेटिव ले लेना है एच प्लस को भेज के, एच प्लस को भेज के, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज को स्टेबल देखना है, कौन ज्यादा स्टेबल कर रहा है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट तो सीधा सीधा डिस्टेंस के बेस पे कर लेंगे, ये बिल्कुल नजदीक है तो इसका ज्यादा नेगेटिव चार्ज खींच लेगा, ये थोड़ी सी दूर हो गया थोड़ा कम खींच पाएगा, ये बहुत दूर हो गया तो बहुत कम खींच पाएगा। तो ये सिंपल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायन का, ठीक है। देखो क्या है, अपने बेसिक स्टेप से चलना है, बिल्कुल बेसिक स्टेप से, ठीक है। देखो CH3 ग्रुप कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है CH3 ग्रुप, ये रहा अपना, है ना। इसमें प्लस M लगेगा पर इसका प्लस M बहुत वीक होता है, बाकियों से वीक होता है ना, ये याद रखना है। और हेलोजन्स में सिर्फ और सिर्फ माइनस आई, ये हेलोजन है इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस आई, क्लियर है। अब देख लेते हैं, देखो NO2 ग्रुप क्या क्या होता है, माइनस M इफेक्ट, हेलोजन का क्या होता है हमने अभी अभी देखा, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई, और इसका क्या होगा प्लस एम, पर बाकियों से वीक होगा, ठीक है। और इसका क्या है प्लस एम, इसका क्या है प्लस एम। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायन देखनी है ना, और इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी कि इसके इलेक्ट्रॉन इसका नेगेटिव चार्ज कोई खींच ले। अब देखो ये माइनस एम है, ये माइनस एम के थ्रू इसका चार्ज खींच रहा है, और ये इंडक्टिव के थ्रू खींच रहा है। अब हमें पता है कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो दादा परदादा होता है इंडक्टिव का, है ना, इंडक्टिव की कोई औकात नहीं होती मीजोमेरिक के सामने। तो एक बात तो क्लियर है, ये इससे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब देखो इनमें कैसे डिसाइड करें, इनमें कैसे डिसाइड करें, देखो ये प्लस एम के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये भी प्लस एम के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये इस चार्ज को और ज्यादा दुखी कर रहे हैं, ये दोनों इस चार्ज को और ज्यादा दुखी कर रहे हैं। तो हमारे पास एक और चीज बन गई कि एक बात तो क्लियर है, ये दोनों इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है, क्लियर है ना अब तक, बिल्कुल। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, तो मैंने बोला था कि CH3 ग्रुप का जो प्लस एम होता है वो वीक होता है, वो इस वाले से मतलब बाकियों से वीक होता है, मतलब इससे वीक होगा, तो ये इसको कम इलेक्ट्रॉन देगा मतलब कम दुखी करेगा, ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ज्यादा दुखी करेगा, तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, मतलब इसमें सबसे ज्यादा दुखी है ये चार्ज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम बेसिक स्ट्रेंथ का। देखो बेसिक स्ट्रेंथ में बेसिकली क्या होता है, यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्यों चाहिए, क्योंकि बेस क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो उतने अच्छे तरीके से डोनेट करेगा, मतलब उतना अच्छा वो बेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से वही अपनी जड़ी बूटी लगा के देखनी है, जड़ी बूटी के हिसाब से चलेंगे। देखो यहां पे क्या होगा, कैसा इफेक्ट होगा, यहां पे होगा प्लस एम इफेक्ट, और ये सी एच थ्री ग्रुप में क्या होता है प्लस एम होता है पर इनसे बाकियों से वीक होता है, ठीक है। और क्लोरीन मतलब हेलोजन के केस में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, और ये कैसा शो करेगा माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। अब हमें यहां पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। देखो ये प्लस एम से सप्लाई कर रहा है, ये भी प्लस एम से सप्लाई कर रहा है, और माइनस वाले तो उल्टा इसका खींच लेंगे, उल्टा इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, तो एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों इन दोनों से ज्यादा अच्छे बेस हैं, ठीक है। अब इन दोनों में डिसाइड करते हैं कौन अच्छा कौन बेकार। देखो ये माइनस आई से खींच रहा है और ये माइनस एम, हमने बात की थी मीजोमेरिक इंडक्टिव का दादा परदादा होता है, मतलब ये बहुत खतरनाक तरीके से इसको अनस्टेबल कर देगा, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसे कम, ठीक है। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, तो हमने बात की थी कि इसका प्लस एम इस वाले से ज्यादा होगा, मतलब ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे डेंसिटी ज्यादा करवाएगा, तो ये सबसे अच्छा बेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस में कुछ चीजों से बच के रहना है, जैसे कि ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट किसमें होता है, बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड क्या होता है, सिंपली बेंजीन रिंग पे आपको COOH ये वाला ग्रुप मिल जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ में चौकन्ने हो जाना है कि यहां पे ऑर्थो इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है, देखो ऑर्थो मतलब ऑर्थो पोजीशन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। देखो
बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे वो प्लस एम है या माइनस एम है, ऑर्थो पोजीशन वाला मेटा ये पैरा से ज्यादा स्टेबल होता है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहां पे क्या ग्रुप है, ऑर्थो पे आ गया और ये COOH दिख गया, मतलब ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल, यही है ऑर्थो इफेक्ट। अब देखो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में एक और चीज से बचना है, वो क्या है, नाइट्रोफिनोल। देखो पहली चीज से बचना है ऑर्थो इफेक्ट और दूसरी चीज है नाइट्रोफिनोल। नाइट्रोफिनोल कैसा होता है, पहचानने का तरीका क्या है, देखो फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग पे OH और नाइट्रो NO2 ग्रुप, सिंपल है। अब देखो इसकी अगर मैं बोल दूं एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो और अगर हम बेसिक तरीके से निकालने गए तो क्या होगा, देखो सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला आएगा, दूसरे पे ये वाला आएगा और तीसरे पे ये वाला आएगा, मतलब इसके हिसाब से क्या ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्थो सबसे ज्यादा, फिर क्या पैरा और फिर मेटा। पर असल में ऐसा होता नहीं है, हम एग्जाम में ये वाला करके आएंगे पर असल में ऐसा होता नहीं है, इससे बच के रहना है। होता क्या है, पोम याद रखना है, पोम, ठीक है, नाइट्रोफिनोल में पोम याद रखना है, सबसे ज्यादा पैरा होगा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, है ना। मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ में दो चीजें से बचने को बोला है, एक है ऑर्थो इफेक्ट जिसमें COOH ग्रुप मिल जाए और एक है नाइट्रोफिनोल, इसमें पोम याद रखना है, पोम, ठीक है, क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम SN1 और SN2 की कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से चलेंगे, बिल्कुल इजी मेथड से, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेजेंट कहां कहां पे होती है, कहां पे, एल्काइल हैलाइड्स में, एल्कोहल्स में और ईथर में। और तीसरे पार्ट में हम करने वाले हैं एरोमेटिक SN1 एंड एरोमेटिक SN2, क्लियर है। तो सबसे पहले चलते हैं SN1 वर्सेस SN2, ठीक है। देखो अभी तक मेरे को नहीं पता आप इसमें कितना कंफ्यूज होते हो, आप बार बार भूल जाते हो, पर सिंपल सी एक ट्रिक बताऊंगा, SN1 और SN2 में आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। देखो ट्रिक क्या बोलती है, कोई स्कूल है जिसका नाम है तिवारी पब्लिक स्कूल, तिवारी पब्लिक स्कूल ने इन्वेंट किया किसको, एक ऐप को, ऐप का नाम क्या है, पोलर, ठीक है, तिवारी पब्लिक स्कूल इन्वेंटेड पोलर ऐप। अब देखो तिवारी के टी से आया टू, टी से आया टू मतलब SN2, SN2 में क्या है, पी से हमें याद आएगा प्राइमरी, मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में सबसे अच्छी, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में, और स्कूल के एस से हमारे पास आएगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और इन्वेंटेड से हमें याद आएगा इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, और पोलर ऐप, पोलर ऐप से हमें याद आएगा, देखो पोलर से पोलर, ऐप से एप्रोटिक, ठीक है। अब देखो SN2 में क्या होता है, प्राइमरी में सबसे अच्छी, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में, और इसमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट होता है, और SN2 में क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। ये SN2 का हमको याद हो गया। अब बात करते हैं SN1 का कैसे याद करें। देखो SN2 का याद हो गया, अब इसके ठीक ऑपोजिट कर दो, वो हो जाएंगे SN1। देखो यहां पे क्या होगा, टर्शरी में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है, SN1 के लिए, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था तो SN1 में क्या हो जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। यहां पे इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट था तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिटेंशन आल्सो। यहां पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 में क्या हो जाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्लियर है ना, बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाए वो तो अपने से ट्रिक से डायरेक्ट हो गए कि आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे दिया और पूछ लिया कि कौन सी रिएक्शन होगी, तो SN1 या SN2, तो स्ट्रॉन्ग में कौन सी होगी, SN2, या सॉल्वेंट के रिलेटेड पूछ लिया कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन सी रिएक्शन होगी, देखो पोलर एप्रोटिक में SN2 तो पोलर प्रोटिक में SN1, ये वाले सिंपल सिंपल से क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि SN1 और SN2 के तो असली मेन क्वेश्चन जो आते हैं उनका क्या करना है, उनके लिए बस ये दो चीजें याद रखनी है, बस ये दो चीजें याद रखनी है, इसको पकड़ के रखना है जड़ी बूटी को और सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देखो SN1 की जब भी बात आए तो SN1 रिएक्शन का जो रेट होगा किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे, है ना। SN1 किसमें फास्ट होगी, जिसमें कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा। और SN2 की अगर बात करें तो SN2 का रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टीयरिक हिंड्रेंस के। स्टीयरिक हिंड्रेंस का सीधा सीधा मतलब हिंदी में अगर बोले तो भीड़, है ना, जितनी कम भीड़ होगी उतनी SN2 ज्यादा होगी, कार्बोकटायन जितना स्टेबल होगा उतनी SN1 ज्यादा होगी।
अब देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, अब इसमें बताओ आप SN1 किसमें फास्ट होगी किसमें स्लो होगी। ठीक है, अब देखो रिएक्शन का मतलब भी समझते हैं। देखो रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल का होगा सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, देखो क्लोरीन पे आएगा क्या माइनस, अब क्लोरीन इसमें क्या है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है ना, अब न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होना है, मतलब ये जो क्लोरीन है ये इसको छोड़ के चला जाएगा और कोई नया न्यूक्लियोफाइल आएगा जो इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा और यहां पे आके लग जाएगा। ठीक है, अब देखो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, सिंपली इस टाइप के क्वेश्चंस में यही करना है, क्लोरीन को मतलब जो भी नेगेटिव चार्ज वाला है उसको भेज दो और बचा क्या कार्बोकटायन। ठीक है, अब ये हमारे पास तीन कार्बोकटायन आ चुके हैं और हमें क्या बताना है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1। अब हमने जड़ी बूटी में किया था कि SN1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के। अब ये हमारे पास तीन कार्बोकटायन है, अब इसमें सिंपली क्या है देख लो, देखते ही पता लग रहा है ना रेजोनेंस है ना और कुछ है, सिंपली क्या लगा दो इसमें प्लस आई लगा दो। देखो यहां पे प्लस आई के तीन ग्रुप हैं तो ये तीन ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई यानी फायदा कर रहे हैं और यहां पे सिर्फ दो लोग इसको फायदा कर रहे हैं और यहां पे सिर्फ एक लोग इसको फायदा कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा फायदे में है मॉलिक्यूल तो ज्यादा कार्बोकटायन स्टेबल होगा, कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो यहां पे SN1 सबसे अच्छी होगी सबसे फास्ट होगी, तो ये अपना ऑर्डर बन जाएगा। अब देखो इन्हीं एग्जांपल्स में मैं आपसे पूछ लूं कि SN2 का ऑर्डर बताओ, SN2 का ऑर्डर बताओ, तो SN2 में जड़ी बूटी क्या कहती है कि SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, मतलब जितनी कम भीड़ होगी उतनी ज्यादा SN2 अच्छी होगी। अब देखो ये है टर्शरी, देखो यहां पे भी हैवी ग्रुप है, यहां पे भी हैवी, यहां पे भी हैवी, ठीक है चारों तरफ से घिरा हुआ है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा भीड़ है। अब देखो यहां पे इसमें दो भारी वाले हैं, हाइड्रोजन तो चुन्नू मुन्नू छोटा सा होता है, मतलब यहां पे भीड़ नहीं है, इसमें थोड़ी कम भीड़ है और इसमें बिल्कुल ही भीड़ नहीं है, इसमें सिर्फ एक भारी है, ये छोटे मोटे है ना, इसमें सबसे कम भीड़ तो इसमें सबसे अच्छी SN2, इसमें सबसे ज्यादा भीड़ तो इसमें सबसे बेकार SN2। ठीक है, अब देखो जो हमने अपनी ट्रिक में बात की थी वो यहां पे प्रूव हो रही है। देखो SN2 का हमने ऑर्डर क्या लगाया, देखो ये क्या था प्राइमरी, ये क्या था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब देखो प्राइमरी में सबसे अच्छी हो रही है SN2 और SN1 के लिए बिल्कुल ऑपोजिट टर्शियरी में सबसे अच्छी हो रही है, ये अपना पॉइंट प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, बताओ SN1 और SN2, पहले SN1 का करते हैं, SN1 में सिंपल क्या है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो क्या करना है क्लोरीन नेगेटिव को भेज दो, क्लोरीन नेगेटिव को भेज दो और यहां कार्बोकटायन बना दो। अब देखो इस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, तीन जगह पे रेजोनेंस हो रही है, तीन जगह पे मतलब बहुत तगड़ी रेजोनेंस है इसकी, दो जगह पे हो रही है ना, रेजोनेंस अच्छी है पर इससे अच्छी नहीं है, और इसकी एक जगह पे हो रही है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस तो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल और ये ऑर्डर आ जाएगा SN1 का ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। और SN2 की अगर बात करें, सेम एग्जांपल में SN2 की बात करें तो जहां सबसे कम भीड़ वहां पे SN2 सबसे अच्छी। अब देखो यहां पे कितनी भीड़ है, तीनों तरफ इतने भारी भारी ग्रुप हैं और यहां पे दो तरफ हैं और यहां पे सिर्फ एक तरफ है, ये पूरा एरिया खाली पड़ा है ना, तो SN2 के लिए बिल्कुल उल्टा ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है, और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखो इसमें बताओ, इसमें ऑर्डर बताओ SN1 का, SN1 किसमें अच्छी होगी, तो सिंपल क्या काम करना है क्लोरीन माइनस इसको भेज देना है क्योंकि इसका होगा सब्स्टिट्यूशन और क्या बना देना है कार्बोकटायन। ठीक है, अब ये सिंपली क्या हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का क्वेश्चन हो गया, और SN1 देखनी है तो SN1 का रेट किस पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे। अब देखो ये क्या लगाएगा, ये ग्रुप क्या लगाएगा माइनस एम। देखो जब तक मीजोमेरिक से आंसर आ जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट पे जाना ही नहीं है, मीजोमेरिक इफेक्ट फेल हो जाए तो इंडक्टिव पे जाना है, ये लगाएगा माइनस एम, इस पे कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ, ये लगाएगा प्लस एम लगाएगा। ठीक है, ये लगाएगा प्लस एम। अब देखो माइनस एम से ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये बेचारा पहले ही दुखी है, पहले ही कम इलेक्ट्रॉन है, इसने और खींच लिए
और ये प्लस एम से इसको डोनेट करेगा, है ना, इसको मतलब बहुत सुखी कर देगा। और यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, देखो ये हुआ सुखी तो सबसे ज्यादा स्टेबल, ये हुआ दुखी तो सबसे कम स्टेबल, और इसको ना सुख है ना दुख है, तो ये हो जाएगा बीच में इंटरमीडिएट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें बताओ SN1, SN1 का ऑर्डर बताओ, SN1 किसमें अच्छी होगी। तो सिंपली क्या करना है, क्लोरीन माइनस को भेज दो और कार्बोकटाइन बना दो, और SN1 की जड़ी बूटी क्या कहती है, SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी। ठीक है, अब कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। देखो यहां पे रेजोनेंस हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। यहां पे हो रही है, देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें रेजोनेंस है तो ये हो जाएगा ज्यादा स्टेबल, तो SN1 भी इसमें अच्छी होगी। ठीक है, अब देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बिल्कुल ये, कि SN2 किसमें अच्छी होगी। अब देखो यहां पे तीन कार्बन है, यहां पे भी तीन कार्बन है, ना कहीं पे रेजोनेंस का क्वेश्चन दिख रहा है ना और कुछ, है ना, अलग से ही पता लग जाएगा कि फर्क किसमें है, न्यूक्लियोफाइल में फर्क है, है ना। अब तक देखो, अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उनमें क्या था, न्यूक्लियोफाइल सब में सेम था, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल अलग हो गए, मतलब न्यूक्लियोफाइल का क्वेश्चन है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल इसको छोड़ के जाता है और नया न्यूक्लियोफाइल यहां पे आता है, है ना। अब रेट कैसे कंपेयर करें, तो सिंपल सी बात है, जितनी जल्दी ये न्यूक्लियोफाइल इसको छोड़ के जाएगा उतनी जल्दी दूसरा आएगा, है ना, ये निकलेगा तभी तो नया आएगा। तो सिंपल सी बात है, क्लोरीन और आयोडीन में से जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उसमें हो जाएगी फास्ट रिएक्शन। अब देखो क्लोरीन का साइज है छोटा और आयोडीन का साइज है बड़ा, और कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ होगी कम, और आयोडीन का साइज है बड़ा तो कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड लेंथ होगी ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ होगी ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी कम, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है। अब ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो आयोडीन आसानी से चला जाएगा, क्लोरीन थोड़ी मुश्किल से जाएगा। आयोडीन जल्दी गया तो इस पे नया न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, तो ज्यादा तेज SN2 किसमें होगी, इस वाले में। ठीक है, देखो इसमें अलग से पता लग जाएगा ना, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस का क्वेश्चन है ना, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ना SN1 का क्वेश्चन है, अलग से ही आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने को तीन जगह पे देखने को मिलेगी, एक एल्काइल हैलाइड्स में, दूसरा एल्कोहल्स में, और तीसरा ईथर्स में। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, देखो सारी RX 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 की रिएक्शन हो रही है, RX मतलब क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। देखो रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब हमें न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करना है, इतनी सी सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो सिंपल सा, इसमें देखो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, देखो R पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और X एक हेलोजन है तो उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या हुआ ये, तो इसका सिंपली सब्स्टिट्यूशन करना है, इसको बदलना है। ठीक है, तो X पे है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी नेगेटिव चार्ज वाले से ही बदली जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या आएगा, पोटेशियम पे पॉजिटिव और OH पे माइनस। ठीक है, तो माइनस वाले से माइनस को सिंपली क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, ये प्लस वाला इस माइनस पे चिपक जाएगा, ये प्लस वाला इस पे चिपक जाएगा, तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा एक एल्कोहल, और इधर क्या बन गया हमारे पास, ये पोटेशियम ये हैलोजन। ठीक है, अब सेकंड रिएक्शन अब स्पीड से करते हैं थोड़ा। देखो R पॉजिटिव X नेगेटिव, ठीक है, इधर Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये प्लस वाला इस माइनस वाले पे चिपक जाएगा, फिर क्या बन जाएगा एल्कोहल, और बच क्या जाएगा NaX। ठीक है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे चिपक जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखो, R पॉजिटिव X नेगेटिव, इधर क्या है, ये क्या है H2O, वाटर ही तो है, वाटर क्या बनाएगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे, बिल्कुल बच्चों वाला काम है, क्या बन जाएगा ये एल्कोहल बन गया, और इधर क्या बन गया HX बन गया। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर सोडियम पे पॉजिटिव आयोडीन पे नेगेटिव। ठीक है, अब सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो, अब सिंपल सी बात है ना, यहां पे आयोडीन एक हेलोजन है तो यहां पे आयोडीन के अलावा कुछ होगा, तो सिंपली क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, बिल्कुल बेसिक तरीके से, ये क्या बन गया RI, और इधर क्या बन जाएगा NaX, सिंपल फिर से वही बात करो, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर क्या है सोडियम पे आएगा पॉजिटिव और OR पे आएगा नेगेटिव,
पॉजिटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन के आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं आप याद करो, इसको बोलते हैं ईथर बोलते हैं, और इधर क्या बन जाएगा NaX, सिंपल सी बात है, इसमें फिर से वो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इधर क्या होगा देखो RC डबल बॉन्ड वो नेगेटिव और Ag पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव चिपका दो उठा के, ये क्या बन जाएगा RCOOR ये डैश, इसको क्या बोलते हैं एस्टर, ये था ईथर ये है एक एस्टर, ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा AgX, क्लियर है। अब देखो इसमें देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब ये कैसे टूटेगा देखो, ये है एक मेटल, मेटल पे क्या आता है पॉजिटिव चार्ज, जैसे सोडियम भी एक मेटल है, लिथियम पे लिथियम एक मेटल है उसमें भी पॉजिटिव आता है, तो इस पे आएगा पॉजिटिव इस पे आएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से, ठीक है क्लियर है, तो क्या बन जाएगा ये आर और ये डैश, ठीक है, ये क्या बन गया एक तरीके का अल्केन बन गया, और ये क्या बन जाएगा इधर MX, क्लियर है, इतनी सी सिंपल सी रिएक्शंस है। अब देखो ये दो रिएक्शन मैं बाकियों से अलग करवा रहा हूं, क्यों करवा रहा हूं आपको अभी पता लग जाएगा, देखो ये वाली तो बिल्कुल जैसे अभी करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करने हैं, आर पे पॉजिटिव और ये एक्स पे नेगेटिव, और इधर पोटेशियम पे पॉजिटिव और सी एन पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव को नेगेटिव पे चिपका दो, पॉजिटिव को नेगेटिव पे और इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव पे, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा RCN प्लस ये बन गया, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है साइनाइड है, पर यहाँ पे AgCN जब आ जाए, देखो ये था आयनिक बॉन्ड ऐसे टूट गया आयनिक बॉन्ड, पर यहाँ पे है कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपल सी ये बात याद रखनी है, जब AgCN आ जाए तो क्या करना है, यहाँ पे बनाया था साइनाइड और यहाँ पे हमें आइसोसाइनाइड बनाना है, और बाकी का पूरा सेम है, यहाँ पे साइनाइड और Ag के केस में क्या बनाना है आइसोसाइनाइड बनाना है, इसीलिए ये रिएक्शन थोड़ी खास है। अब देखो NSR ऑफ एल्काइल हैलाइड की लास्ट रिएक्शन है कि किसी एल्काइल हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन हो जाए तो क्या होगा, एनसीईआरटी में जो अभी रिएक्शन बताऊंगा सारी दी हुई है, अभी तक जो करते आए हैं बेसिक बेसिक वही करना है, देखो R पॉजिटिव X नेगेटिव, और इधर अमोनिया क्या प्रोड्यूस करेगा, अमोनिया प्रोड्यूस करेगा NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो सिंपल क्या करना है इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ मिला देना, जो अभी तक करते हैं ऐसे ही तो करते हैं, और इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ, ठीक है क्लियर है, तो बन क्या जाएगा यहाँ पे देखो, इससे क्या बन जाएगा RNH2 प्लस ये क्या बन गया HX, क्लियर बात है। अब देखो यहाँ पे गौर करो ये क्या बन चुका है, एक प्राइमरी अमीन बन चुका है, एक प्राइमरी अमीन बन चुका है, अब आपको बोल दिया जाए कि इस प्राइमरी अमीन की रिएक्शन RX एक और अल्काइल हैलाइड से करा दें तो क्या होगा, हाँ तो सिंपल है, ये बिल्कुल सेम तरीके से क्या देगा, ये प्राइमरी अमीन किसमें टूटेगा RNH नेगेटिव और H पॉजिटिव, सिंपली है H पॉजिटिव को निकाल देना है, बाकी बचा हुआ रिजल्ट अपने आप आपको मिल जाएगा, ठीक है, और ये RX तो हमें पता है ना ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या होगा ये पॉजिटिव वाला पार्ट इस नेगेटिव पे चिपक जाएगा और ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव पे चिपक जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा देखो R दो हो गए ना R2 और क्या बचा सिर्फ NH बचा, और प्लस क्या है प्लस HX है, प्लस HX है, अब गौर करो ये क्या बन चुका है, ये एक सेकेंडरी अमीन बन चुका है, अब आपको बोल दिया जाए इस सेकेंडरी अमीन को फिर से RX के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो क्या होगा, वही जो अभी तक करते आ रहे हैं कि इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, और इधर क्या बनेगा, इधर ये बन जाएगा H पॉजिटिव और ये बचा हुआ पार्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव, तो क्या करो नेगेटिव को पॉजिटिव पे पॉजिटिव को नेगेटिव पे, तो क्या बन जाएगा R3N और ये प्लस क्या बन जाएगा HX, ठीक है, देखो ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है एक टर्शरी अमीन, ठीक है, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन और फिर हमने बनाया एक टर्शरी अमीन, और इसको फर्दर हम सेम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। अब देखो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स की फिनिश कर चुके हैं, अब हम करने वाले हैं NSR ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, देखो पहले ये सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं करना, जैसे अब तक करते आए हैं वैसे करना है, देखो R प्लस और ये OH क्या बन जाएगा माइनस, इसमें भी सेम ऐसे ही R प्लस और ये OH क्या बन जाएगा माइनस, अब ये देखने से ही पता लग रहे हैं ये फॉस्फोरस के क्लोराइड्स हैं, तो ये क्या करेंगे क्लोरीन देंगे, ये भी क्या करेगा क्लोरीन देगा, तो क्या करेंगे इस OH को इस क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करा देंगे, इस OH को इस क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करा देंगे, तो रिजल्ट क्या बनेगा इधर RCl, और इसमें भी क्या बनेगा RCl, अब एल्कोहल की एक लास्ट रिएक्शन है जो हम अलग से करेंगे,
अब देखो अल्कोहल की लास्ट रिएक्शन है ये वाली, ठीक है, ROH अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ करा दी, ये है एनहाइड्रस ZnCl2। अब बिल्कुल बेसिक तरीके से चलना है जैसे हम करते हैं, ठीक है। देखो ये OH पे नेगेटिव आ जाएगा और R पे आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब इसका होना है सब्स्टिट्यूशन, और इधर क्या होगा हेलोजन पे नेगेटिव हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले पे चिपका दो, मतलब ये क्या बन जाएगा RX बन जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा ये वाटर बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना, यहां पे आपको दे देंगे अलग अलग टाइप के अल्कोहल, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी, अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस टाइप का अल्कोहल में रेट ऑफ रिएक्शन का कभी भी क्वेश्चन आ जाए उसको SN1 से ट्रीट करो, उसको SN1 से ट्रीट करो, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन अल्कोहल का इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो मैंने क्या बोला SN1 से ट्रीट करेंगे, सिंपली क्या करेंगे कार्बो कटायन बना देंगे, सिंपली कार्बो कटायन बना देंगे। अब इसमें कार्बो कटायन ये स्टेबिलिटी का सिंपल ऑर्डर आ जाएगा प्लस आई के बेस पे, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी सबसे ज्यादा होगा, ये अल्कोहल की रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, है ना। प्राइमरी अल्कोहल सबसे बेकार रिएक्शन करेंगे, टर्शरी सबसे अच्छी करेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक और पॉइंट होता है, देखो ये है H माइनस, अगर मैं बोल दूं यहां HCl होता ये HX माइनस या HCl भी तो हो सकता है, और वो HCl कंसंट्रेटेड होता तो कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसको हम क्या बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होने, ठीक है। क्लीवेज ऑफ ईथर में कुछ नहीं होता, सिंपल है। देखो ये एक ईथर है, इसको हमने HI दिया तो क्या होगा, देखो सिंपल है, एक आर इन दोनों में से, ये दो आर है ना, एक आर इन दोनों में से आयोडीन को ले जाएगा और दूसरा बचा हुआ आर बना देगा एक एल्कोहल। अब बात है कि कौन सा आर आयोडीन को लेके जाएगा और कौन सा आर बनाएगा एल्कोहल, इस पे बात करते हैं। अब देखो ईथर की क्लीवेज करनी कैसे है, देखो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये एक ईथर है, इसको हमने HI दिया, अब ये कैसे टूटेगा। देखो सिंपल सा फंडा होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, सिंपल सा फंडा है, जो भी आपको ईथर मिले ऑक्सीजन को भुला दो, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ध्यान रखना, जो भी आपको ईथर मिले उसमें ऑक्सीजन को भुला दो और जो बचा हुआ पार्ट है उनके बना दो कार्बोकैटायन, उनके बना दो कार्बोकैटायन, ठीक है। अब इस दोनों कार्बोकैटायन में से अगर कोई भी कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज या टर्शरी कार्बोकैटायन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, जो भी ईथर मिले उसमें ऑक्सीजन को भुला दो और जो बचे हुए पार्ट बने उनके बना दो कार्बोकैटायन, अगर इन दोनों कार्बोकैटायन में से कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइज या टर्शरी कार्बोकैटायन नहीं है तो ये आयोडीन पहुंचा दो किसके पास, कम भीड़ वाले कार्बोकैटायन के पास, मतलब लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, ठीक है, ये आयोडीन पहुंचा दो कम भीड़ वाले कार्बोकैटायन के पास। अब इसमें कम भीड़ वाला कार्बोकैटायन कौन सा है, ये वाला, और ज्यादा भीड़ वाला ये है ना, इसमें ये है ज्यादा भीड़ वाला है कम भीड़ वाला, तो कम भीड़ वाले कार्बोकैटायन के पास पहुंचा दिया आयोडीन और बचा हुआ पूरा, ये बचा हुआ क्या बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा एक अल्कोहल, क्या बन जाएगा एक एल्कोहल, ठीक है। और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, देखो ये अपने पास एक ईथर है, ठीक है, ये अपने पास एक ईथर है, इसको HI दिया तो क्या होगा, मैंने क्या बोला ऑक्सीजन को एक मिनट के लिए भुला देते हैं और जो पार्ट बच गया उसका कार्बोकैटायन बना देते हैं, उसका कार्बोकैटायन बना देते हैं। अब इन दोनों कार्बोकैटायन में से चेक करना है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड या टर्शियरी कार्बोकैटायन तो नहीं है, तो इनमें से कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ठीक है, इसमें धोखा मत खा जाना, इनमें से कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है और ना ही टर्शियरी कार्बोकैटायन है, तो आयोडीन पकड़ा दो कम भीड़ वाले कार्बोकैटायन को, तो आयोडीन इसके पास आ जाएगा ये CH3 और ये क्या बचा हुआ क्या बन जाएगा एल्कोहल, एल्कोहल ये एल्कोहल बन जाएगा, सिंपल है। और एग्जांपल कर लेते हैं, देखो ये एक ईथर है, इसको HI दिया तो क्या होगा, देखो ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए भुला दो और बचे हुए का क्या बना दो, दो कार्बोकैटायन। अब इन दोनों कार्बोकैटायन में से चेक करो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज तो नहीं है, तो इन दोनों में रेजोनेंस स्टेबलाइज कोई भी नहीं है, और दूसरा क्या था टर्शियरी कार्बोकैटायन तो नहीं है, तो ये देखो टर्शियरी कार्बोकैटायन, ये वाला कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है, मतलब जो अपना रूल था वो ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे ये आयोडीन इस कम भीड़ वाले को देना चाहिए था, पर अभी ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है तो ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब ज्यादा भीड़ वाले के पास, ठीक है, ये आप हाइड्रोजन लगा लेते हैं ना, ये ज्यादा भीड़ वाले के पास चला जाएगा आयोडीन और इसका क्या बन जाएगा स्मॉल वाले का बन जाएगा एल्कोहल, ठीक है, ये बन गया एल्कोहल।
एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। देखो ये एक ईथर है, एच आई दे दिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए भुला दो और बचे हुए पार्ट के बना दो दो कार्बोकटायन। तो इसमें से पहले चेक करो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड या टर्शरी कार्बोकटायन। तो ये वाला देखो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब अपना जो नॉर्मल रूल था उसके ऑपोजिट चीजें जाएंगी, है ना। ये भारी वाला है, ये भारी वाला कार्बोकटायन, ये स्मॉल वाला। तो नॉर्मली क्या होना था, स्मॉल वाले के पास आयोडीन जाना चाहिए था, पर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब भारी वाले के पास क्या जाएगा, आयोडीन जाएगा। ये बन जाएगा ये, और बचे हुए का क्या बन जाएगा, बचे हुए का बन जाएगा एक एल्कोहल, ठीक है। अब देखो हमने जितनी भी रिएक्शन करी उनमें कहीं भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो लगभग दो ही रिएक्शन है, ठीक है, एरोमेटिक वाली दो ही रिएक्शन है। एक एरोमेटिक SN1, एक है एरोमेटिक SN2, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरोमेटिक SN2 और फिर करेंगे SN1। एरोमेटिक SN1 वो वाली होती है डाइजोनियम क्लोराइड वाली, ठीक है। सबसे पहले है एरोमेटिक SN2। देखो इसमें क्या है, सिंपल है। देखो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन NaOH जो ये इसके साथ रिएक्शन करा दी। इसको याद करने का तरीका बता देता हूं, जो अभी तक करते आए हैं वही कर दो, जो अभी तक करते हैं। क्लोरीन पे माइनस, इधर प्लस, इधर क्या है सोडियम पे प्लस, OH माइनस, प्लस पे माइनस चिपका दो, मतलब सीधा सीधा ये OH यहां पे चिपका दो। ये याद करने का तरीका है और इसको हम क्या बोलते हैं, डोस प्रोसेस। अब हम करते हैं एरोमेटिक SN1। अब एरोमेटिक SN2 के बाद है एरोमेटिक SN1, ठीक है। इसमें सिंपल क्या याद रखना है कि ये वाली रिएक्शन कौन सी है, डाइजोनियम सॉल्ट वाली, ये है डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसमें करना क्या है, देखो बहुत सिंपल है। ये जो X नेगेटिव है ना, X माइनस है, जो हेलोजन माइनस, इसको रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। अब रिप्लेस कौन करेगा, देखो ये मैंने वो दिया है कि कौन कब क्या होगा और कौन रिप्लेस करेगा, ठीक है। देखो ये होगा तो क्लोरीन माइनस रिप्लेस कर देगा, है ना, और इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन में क्या फर्क है, गैटरमैन में क्या होता है पाउडर और सैंडमेयर में क्या होता है आयरन, ठीक है। ये भी हुआ तो क्लोरीन रिप्लेस कर देगा, ठीक है। KI हुआ तो ये आयोडीन रिप्लेस कर देगा, पोटेशियम आयोडाइड। HBF4 हुआ तो फ्लोरीन माइनस रिप्लेस कर देगा, वॉटर हुआ तो OH ग्रुप रिप्लेस कर देगा। ये H3PO3 CH3CH2OH ये हुआ तो हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा। HBF4 एंड NaNO2 ये हुआ तो NO2 रिप्लेस कर देगा, ठीक है। कुल मिला के इसको रिप्लेस करना है। रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को पहचानने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। देखो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन या बेंजीन के रिश्तेदार मिलेंगे, बेंजीन या बेंजीन के रिश्तेदार आपको मिलेंगे, और उनके साथ आपको क्या मिलेगा, एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस ZnCl2। 99% केस में चांस है आपको मिलेगा एनहाइड्रस AlCl3, बेंजीन और बेंजीन के रिश्तेदार, और ये एनहाइड्रस AlCl3। ये मिले तो मतलब आपसे वो पूछना चाहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब देखो थोड़ा आसान शब्दों में समझ लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहली बात है कि इसको पहचाने कैसे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने क्या बोला था, बेंजीन या बेंजीन के रिश्तेदार, तो ये है बेंजीन, ठीक है, और क्या है एनहाइड्रस AlCl3, मतलब आपसे वो पूछना चाहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो हमें एक बात पता है कि ये बेंजीन के चारों तरफ क्या है, ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना, चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए, क्लियर है। अब देखो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो इधर से ये पॉजिटिव चार्ज बना के निकलेगा। इतनी ऐसे ही याद रखना है, सिंपल, कुछ कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये है एक तरीके का पॉजिटिव चार्ज, किस पे होता है, एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल है, एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो जो ये रिएजेंट है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का, इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो हम सिंपली इस R की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे और अपने पास सारी रिएक्शन बन जाएंगी। देखो अगर ये R X2 हेलोजन है तो रिएक्शन हो जाएगी
हेलोजिनेशन। अगर ये आर कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो रिएक्शन हो जाएगी सल्फोनेशन, अगर ये आर कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 है तो रिएक्शन हो जाएगी नाइट्रेशन, अगर ये आर CH3Cl है तो रिएक्शन हो जाएगी फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, अगर ये आर CH3C डबल बॉन्ड OCl है तो रिएक्शन हो जाएगी फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। क्लियर बात है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखने लायक बात है कि हमने बेंजीन का तो कर लिया, बेंजीन का तो कर लिया, अगर यहां पे ऐसे होता, अगर यहां पे मान लो और कोई होता, फिनोल होता, फिनोल होता, तो आप क्या करोगे, तो आप मेजर प्रोडक्ट किसको बनाओगे कि जो यहां पे हमने एक्स लगाया है या SO3H या NO2 या ये तो आप यहां पे लगाओगे है ना, फिनोल की अगर रिएक्शन कराए तो सिंपल सी बात है, सब रिएक्शन में, सब के रिजल्ट में क्या होगा, जो पैरा होगा ना, पैरा वो होगा मेजर प्रोडक्ट, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट, और मेटा तो लगभग किसी में बनता ही नहीं है, मेटा तो लगभग किसी में बनता ही नहीं है, पर एक एनिलीन, एनिलीन के केस में बच के रहना है, उसमें क्या है, पैरा सबसे ज्यादा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो, ये है, क्लियर बात है, है ना। देखो इस वीडियो के बाद एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है ना, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें तीन चीजों से बच के रहना, तीन चीजें कौन सी हैं, देखो जो माइनस एम ग्रुप वाले होते हैं ना, माइनस एम ग्रुप वाले, वो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन, जो ये दो रिएक्शन है ये शो नहीं करेंगे, माइनस एम वाले, मतलब जैसे OH है यहां पे, OH क्या है, प्लस एम वाला है तो ये शो करेगा, यहां पे माइनस एम वाला होता तो वो शो नहीं करेगा, ठीक है। ये हुए पहली बात। दूसरी बात कि जो एनिलीन होता है, देखो एनिलीन में कौन सा ग्रुप है, NH2, पर वो प्लस एम ग्रुप है, पर वो भी इनकी तरह फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन या असाइलेशन शो नहीं करेगा, तो माइनस एम एंड एनिलीन वो क्या करेंगे, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन या असाइलेशन शो नहीं करेंगे। और थर्ड पॉइंट जो इसमें ध्यान रखना है कि जो प्लस एम ग्रुप होते हैं ना, प्लस एम ग्रुप, जैसे स्ट्रॉन्ग प्लस एम लगा लो, जैसे ये है NH2 ग्रुप वाला है, ये OH ग्रुप वाला है, ये स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप है, तो इनमें क्या होगा, ये ओवर रिएक्टिव होते हैं, ये ओवर रिएक्टिव होते हैं, मतलब क्या है कहने का, जैसे हम नॉर्मली रिएक्शन कर रहे थे है ना, हमने यहां पे कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया, पर इनमें कंसंट्रेटेड अगर हम ले लें तो प्रोडक्ट कुछ और ही बन जाएगा, इनमें अगर कंसंट्रेटेड ले लें तो प्रोडक्ट कुछ और ही बन जाएगा, तो कंट्रोल्ड कंडीशन में रिएक्शन करानी पड़ती है, ठीक है। अब एक बार है ना NCERT पढ़ के देखना, आपका एक एक डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन का नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हमें रिएक्शन के नाम से ही पता लग रहा है कि हमें फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन कराना है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत आसान रिएक्शन है, देखो इसकी रिएक्शन करा दी Cl2 के साथ, क्लियर है, और किसकी प्रेजेंस में, ये सनलाइट, फ्री रेडिकल में आपको ये देखने को मिलेगी, क्लियर बात है। अब देखो, अब है फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें से एक फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन इसके एक फ्री रेडिकल के साथ करवा देना है, तो इसको हम फ्री रेडिकल में तोड़ देते हैं, देखो ये फ्री रेडिकल और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और इसको भी फ्री रेडिकल में तोड़ देते हैं, क्लोरीन, ठीक है, क्लियर बात है। देखो जिसको मैकेनिज्म वाले में पढ़ना है वो भी करेंगे, पर जिसको सिंपल 10 सेकंड में एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो इस तरीके से करना, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसका ये फ्री रेडिकल हम क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब क्या है, ये जो पार्ट है ये इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, मतलब इसका सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, और यहां बन जाएगा ये HCl, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 और ये Cl, और प्लस क्या बन गया, HCl, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सनलाइट की प्रेजेंस में इसको फिर से क्लोरीनेशन कर दें तो क्या होगा, तो फिर से वही काम करना है, इसको फ्री रेडिकल में तोड़ दो, और फ्री रेडिकल में कैसे तोड़ना है, सबसे पहले निकाल दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकालना है और कुछ नहीं निकाल, सबसे पहले हाइड्रोजन, तो इसमें बचा क्या, CH2Cl और फ्री रेडिकल, और क्लोरीन तो अपने को पता है, क्लोरीन, अब क्या करो, इसके साथ एक क्लोरीन को जोड़ दो, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो CH2Cl2 प्लस क्या है, HCl प्लस क्या है, HCl, ठीक है। अब आपको बोला जाए इसकी फर्दर क्लोरीनेशन कर दी सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, अब क्या होगा, सेम वही है, इसके अगर हम फ्री रेडिकल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करो, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, और फिर बच गया वो
उतार दो अपना ऐसे कैसा, देखो एक हाइड्रोजन इसमें जा चुका है तो ये Cl2 और ये फ्री रेडिकल, ठीक है, और क्लोरीन के क्या बनेंगे Cl Cl। अब क्या करो, इसके साथ एक क्लोरीन को चिपका दो और बच क्या गया HCl बच गया, ठीक है, तो क्या बनेगा ये CHCl3 और प्लस क्या बचा HCl। अब आपको फर्दर बोला जाए उल्टा डायरेक्शन लगा दिया, फर्दर बोला जाए क्लोरीनेशन कर दो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सिंपल वही काम, हाइड्रोजन निकाल के जो बच्चा उसका फ्री रेडिकल बना दो, क्लियर बात है। और क्लोरीन के तो अपने को पता है क्लोरीन क्लोरीन, तो इसके साथ एक क्लोरीन को चिपका दो और बचा क्या HCl, ठीक है, तो अपने पास रिजल्ट क्या बन जाएगा CCl4 प्लस HCl, इतनी सिंपल सी रिएक्शंस हैं। अब जो बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो मैकेनिज्म भी करना है, तो सिंपल सा ही है, देखो अभी जो हमने मेथड किया ना उससे जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसमें क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, फिर भी देख लेते हैं। इसमें इनिशिएशन प्रोपेगेशन टर्मिनेशन तीन स्टेप है, ठीक है, अब इसको भी मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूं। देखो इनिशिएशन में एरो के राइट साइड सिर्फ फ्री रेडिकल है, ठीक है, और टर्मिनेशन में एरो के लेफ्ट साइड सिर्फ फ्री रेडिकल हैं, और प्रोपेगेशन जो इन दोनों के बीच में आ रहा है इसमें मिक्स है, है ना, राइट साइड भी फ्री रेडिकल है और लेफ्ट साइड भी। अब इसको थोड़ा आप खुद ही करके देखना, इतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो जो हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्लियर बात है। देखो बिल्कुल मैजिकल तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, एक एक पॉइंट में बिल्कुल वीडियो में साथ में रहना है, ठीक है। देखो अब मैं बताने जा रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो होती है एल्कीन में, हाइड्रोजन आप लगाते रहना, ये एक एल्कीन है ना, ये प्रेजेंट होती है एल्कीन में। अब आप पूछोगे कि इसमें क्यों होती है और इसको कैसे याद करें, देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला कहां अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, मतलब ये जो चीज है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बता रही है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की अच्छी खासी डेंसिटी है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मतलब यहां इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला अटैक करेगा, क्लियर बात है, ठीक है। अब देखो सिंपली आपके सामने रिएक्शन कैसे आएगी, देखो मैं एक बार और इसको ड्रॉ कर लेता हूं, ये एक एल्कीन है, ठीक है, अब इसमें रिएक्शन कैसे आएगी, मान लो मैं एडिशन कर दूं इसकी आपको करनी है एडिशन, अब बताओ क्या होगा, ठीक है, तो सिंपल देखने से ही पता लग रहा है, देखो एडिशन करनी है तो सिंपल सी बात है, ये दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये हैलोजन है तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या बच गया, यहां पे बच गया एक सिंगल बॉन्ड, है ना। अब इतनी सी सिंपल सी बात है कि ये नेगेटिव पार्ट वाले को चिपका दो पॉजिटिव पे और पॉजिटिव पार्ट वाले को चिपका दो नेगेटिव पे, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, देखो कार्बन और ये इस पे चिपक गया ये हैलोजन, और ये एक और कार्बन इस पे चिपक गया ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैंने देखो ये हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों एक साइड में चिपका दिए, पर आप बोलोगे कि ऐसे भी तो प्रोडक्ट बन सकता है कि हैलोजन यहां चिपक गया और हाइड्रोजन उससे ऑपोजिट साइड में गया, है ना, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बन सकता है। तो इस टाइप का जो प्रोडक्ट बनता है जो एक साइड में बने उसको बोलते हैं सिन एडिशन, और इसको जो ऑपोजिट हुए इसको बोलते हैं एंटी एडिशन, है ना, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो यहां पे हमने एग्जांपल, देखो ये चीज तो इस रिएक्शन में कॉमन रहेगी ये, पर चेंज क्या होगा, ये होगा यहां पे हमने HX लिया, पर कुछ और भी तो हो सकता है ना, कुछ और भी तो हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। देखो इसकी किसके साथ एडिशन हो सकती है, H2 के साथ एडिशन हो सकती है ना, और किसके साथ, X2 के साथ हो सकती है, इसको क्या बोल देंगे हाइड्रोजिनेशन, इसको क्या बोल देंगे हैलोजिनेशन, ठीक है, और किसके साथ हो सकती है HOX के साथ हो सकती है, और किसके साथ हो सकती है HX के साथ, जो ये हमने एग्जांपल लिया ऑलरेडी, ठीक है, और क्या हो सकता है H2O वाटर की एडिशन हो सकती है, ठीक है, यही रिएक्शन है बस। अब देखो सिंपल है ना, देखो यहां पे पॉजिटिव पार्ट बनेगा नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे चिपकेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे। अब इसमें क्या होगा, अगर हम इसकी यहां पे करते तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन ये बना देगा एच माइनस, है ना, तो ये प्लस वाला माइनस पे चिपक जाएगा, माइनस वाला प्लस पे चिपक जाएगा। अगर ये ले लेंगे तो एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे। अगर इसकी ले लेंगे तो क्या होगा, OH नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव, ठीक है, माइनस वाला पॉजिटिव पे और प्लस वाला नेगेटिव पे, और इसकी क्या होगा
एच पॉजिटिव एच माइनस, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और वॉटर किसमें ब्रेक होता है, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे, तो ये लगभग मैजिकल तरीके से आपकी कवर होगी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ये सिन एडिशन इनमें से किसमें होगा और एंटी किसमें होगा। ठीक है, अब देखो मैं एक बात बोलता हूं, देखो इन दोनों में तो आपको बात ही नहीं करनी सिन या एंटी एडिशन की, इन दोनों में, है ना, क्योंकि इन दोनों में दोनों टाइप के हो सकते हैं। अब H2 में आपको याद रखना है सिन एडिशन, और X2 और HOX में आपको याद रखना है एंटी एडिशन। इतनी सी बातें हैं बस। देखो अभी तक हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे कैसे होती है और कहां कहां पे होती है। ठीक है, देखो अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेन सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, रीअरेंजमेंट, ये सारी कंफ्यूजन से आपको दूर कर दूंगा बड़ी आसानी से। ठीक है, देखो अभी तक हम बात कर रहे थे कि एल्कीन में होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एल्कीन जब टूटेगा, मतलब एक कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो पॉसिबिलिटीज कैसे कैसे बनेंगी वो देखेंगे। ठीक है, देखो ये है एक एल्कीन, इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। मान लो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। अब दो कार्बन वाले एल्कीन में इससे ज्यादा, इससे अलग आपको पॉसिबिलिटी मिल ही नहीं सकती। अब ये पॉजिटिव चार्ज चाहे इस पे ले लो, चाहे इस पे ले लो, एक ही बात है, मतलब ये एक ही पॉसिबल रिजल्ट आपको मिलेगा। मतलब यहां ना तो हम मार्कोनिकोव रूल की बात करेंगे और ना ही हम रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। क्लियर बात है। अब देखो ये दो कार्बन का था, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं एक तीन कार्बन वाला एल्कीन। ठीक है, इसमें भी सेम है, रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। अब आपके पास कंफ्यूजन आई कि जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो यहां पे इंपॉर्टेंस है कार्बोकटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की, कार्बो अनायन को कोई भी नहीं पूछता। ठीक है, अब आपके पास कंफ्यूजन है कि पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड को तोड़ के इस कार्बन पे लें या इस कार्बन पे लें, है ना। आपके पास आ गई दो पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी, देखो अब हम जो ये पॉजिटिव चार्ज है, एक केस में या तो इस कार्बन पे ले सकते हैं तो दूसरे पे आ जाएगा नेगेटिव, या हम बॉन्ड तोड़ के इस पे पॉजिटिव ले सकते हैं तो इस पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, अब देख लो इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, देखो ये है सेकेंडरी कार्बोकटायन और ये है प्राइमरी कार्बोकटायन, तो सेकेंडरी कार्बोकटायन है तो ये होगा स्टेबल कार्बोकटायन और ये होगा अनस्टेबल कार्बोकटायन। अब मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं कि आपने डायरेक्ट बॉन्ड तोड़ के, है ना, ये एल्कीन था तो आपने डायरेक्ट बॉन्ड तोड़ के जो स्टेबल कार्बोकटायन बनाया, मतलब यही है क्या, मार्कोनिकोव रूल, है ना, कुछ नहीं है, इतना सा है बस। और जो आपने अनस्टेबल कार्बोकटायन बनाया उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। इतनी सी बातें हैं बस। ठीक है, अब एक वर्ड आता है रीअरेंजमेंट। देखो रीअरेंजमेंट का लेना देना सीधा सीधा किसके साथ है, स्टेबिलिटी के साथ। तो देखो ये तो पहले ही अनस्टेबल बना है तो इसमें तो रीअरेंजमेंट का सवाल ही नहीं उठता। अब मार्कोनिकोव रूल फॉलो करने के बाद अगर ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो सकता है तो रीअरेंजमेंट कर दो, अगर नहीं हो सकता तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता ना, यहीं पे और ऑटोमेटिक रुक जाएगा। ठीक है, अब देखो ये है सेकेंडरी कार्बोकटायन, अब आप इस प्लस चार्ज को कहीं भी जंप करवा के देख लो, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन इसमें बन ही नहीं सकता, मतलब आपको यहीं रुकना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट का कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम एक और एल्कीन ले लेते हैं। देखो हम एक और एल्कीन ले लेते हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो इसमें भी आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं कि ये बॉन्ड तोड़ के पॉजिटिव चार्ज इस पे ले या इस पे ले। ठीक है, मैं दोनों पॉसिबिलिटी आगे ड्रॉ कर देता हूं। देखो कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, तो ये बॉन्ड तोड़ के या तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ सकता है या इस पे आ सकता है, और इस पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इन दोनों में चेक करो स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा है। देखो ये है सेकेंडरी कार्बोकटायन और ये कैसा है, ये कैसा है, प्राइमरी कार्बोकटायन, तो सेकेंडरी वाला है तो ये हो गया स्टेबल और ये हो गया अनस्टेबल। तो डायरेक्ट बॉन्ड तोड़ के हमने जो स्टेबल कार्बोकटायन बनाया उसी को बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल और इसको बोल देंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब बात करते हैं रीअरेंजमेंट की। देखो एंटी मार्कोनिकोव रूल में पहले ही अनस्टेबल बनाया तो रीअरेंजमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि रीअरेंजमेंट का लेना है स्टेबिलिटी के साथ। ठीक है,
अब इसमें चेक करो कि मार्कोनी को रूल फॉलो करने के बाद इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है या नहीं बन सकता। तो देखो इस कार्बन के पास तीन बॉन्ड तो यहां बना रहा है, यहां पे है एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है। सिंपली अगर आपको सिंपल भाषा में याद रखना है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो जंप करके इस पे आ जाएगा। इस पे क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन कैसा बनाएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन बनाएगा। यहां पे कैसा था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, पर यहां पे कैसा बन जाएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन। तो टर्शरी कार्बोकैटायन इससे ज्यादा स्टेबल है, तो इसी जंप को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। पर ध्यान रखना इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, ठीक है, क्लियर बात है। तो इसी जंप को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो हमने मार्कोनी को रूल के बाद क्या करी, रीअरेंजमेंट, क्लियर बात है। अब देखो यहां पे इन चीजों को समझो कि मार्कोनी को रूल फॉलो करने के बाद हमें देखना है रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। अगर है तो कर दो, नहीं है तो हो ही नहीं सकती, क्लियर बात है ना। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपसे एल्कीन पूछा भी नहीं जाएगा। इन दोनों में तो हमने रीअरेंजमेंट की बात ही नहीं करी, इसमें इस टाइप के में मतलब आपको एग्जाम में ना क्लियर पता लग जाएगा इस टाइप का दिया हुआ है कि वो आपसे रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्लियर बातें हैं। अब देखो हम मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, रीअरेंजमेंट, अपनी सारी कंफ्यूजन दूर कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने यहां बात की थी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन के साथ कौन देते हैं, ये वाले देते हैं, ठीक है। तो इनको मैं एक लाइन में लिख लेता हूं, इनको मैंने यहां पे समराइज करके लिख लिया। अब ये चार्ट आपको आ गया तो आपकी सारी रिएक्शन खत्म, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। मैंने इनको लाइन में लिख लिया, H2, H2, HOX, HX और वॉटर, ठीक है। देखो मार्कोनिकोव रूल तो सब में फॉलो करना है आपको, है ना, मार्कोनिकोव रूल इन सब में आपको फॉलो करना ही करना है। और रीअरेंजमेंट की बात करें तो इन ऊपर वाले तीन में रीअरेंजमेंट आपको नहीं करनी। देखो यहां पे मेरे बोलने का आप मतलब समझना, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो या ना हो आपको नहीं करनी, ठीक है। और इन दोनों में रीअरेंजमेंट आपको करनी है ना, पॉसिबल अगर रीअरेंजमेंट है तो इन दोनों में आपको कर देनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, इन तीनों के अगर क्वेश्चन आए तो रीअरेंजमेंट चाहे हो या ना हो पर आपको नहीं करनी। और इन दोनों में अगर रीअरेंजमेंट आपको पॉसिबल नजर आ रही है तो कर देनी है। और मार्कोनिकोव रूल तो सब में फॉलो करना है। अब मार्कोनिकोव रीअरेंजमेंट क्या होती है हम ऑलरेडी पूरा क्लियर कर चुके हैं। पे बना के दिखाऊं आपको, अगर मैं बोलूं कि एल्डिहाइड या कीटोन को हम बोल सकते हैं कि कुछ बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि एल्डिहाइड्स या कीटोन कुछ इस तरीके के दिखते हैं तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है, इस तरीके के दिखते हैं। अब करना क्या है, अब इसको हमने खुले मैदान में छोड़ देना है कि भाई तेरी जो औकात है, तो जो तेरे अंदर ये बॉन्ड्स है ना, ये कैसे हरकत कर सकते हैं, हमें ये देखना है। हमने तेरे को खुले मैदान में छोड़ दिया। अब इसको देखने से ही पता लग रहा है यहां पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो मान लो ये बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे बच जाएगा एक सिंगल बॉन्ड। तो इतनी सी बात समझनी है बस, बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल आठवीं नौवीं क्लास वाली बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींच लिए मतलब आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज और यहां पे आ गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो इसको भी बेचारे को स्टेबल होना है, इस पे बेचारे पे चार्ज है, ये कार्बन को भी स्टेबल होना है, ऑक्सीजन पे भी चार्ज है, इसको भी बेचारे को स्टेबल होना है। अब देखो हमें ये कार्बन की ही इंपॉर्टेंस है यहां पे, है कार्बन की इंपॉर्टेंस क्यों है वो बता देता हूं। देखो ये है पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे कौन आके अटैक करेगा, जो इस पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता होगा। तो पॉजिटिव चार्ज से प्यार कौन करता है, हमने बहुत बार देखा है, न्यूक्लियोफाइल की यहां पे एडिशन करा देनी है। तो एक बहुत बड़ी लाइन बोलने जा रहा हूं कि एल्डिहाइड या कीटोन, या और अच्छे तरीके से मैं बोलूं कार्बोनिल कंपाउंड है ना ये, तो कार्बोनिल कंपाउंड किस टाइप की रिएक्शन देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियोफाइल यहां पे आया और वो यहां पे आके ऐड होगा। तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कहां होती है, हमें बहुत बड़ी बात इतनी सी सिंपल सी बात से पता चल गई, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखो करना क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज चिपका दो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज चिपका दो। अब वो कैसे चिपकाना है मैं बताता हूं, मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं। देखो मान लो मैं बोल दूं इस कंपाउंड की मतलब एल्डिहाइड या कीटोन की मैं रिएक्शन करा दूं
HCN के साथ। अब HCN में आपको अलग ही दिख जाएगा कि H पॉजिटिव बनेगा, CN नेगेटिव बनेगा, ये H पॉजिटिव, ये CN नेगेटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव पे चिपक जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव पे चिपक जाएगा। देखो मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं आपको रिएक्शन कैसे होगी। देखो ये है एक एल्डिहाइड या कीटोन या बोल लो कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां रह गया सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी मान लो HCN के साथ, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, CN पे नेगेटिव, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट पे, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट पे, ठीक है। तो रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा, देखो ये नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव पे, मान ले CN यहां लग गया और ऑक्सीजन पे लग जाएगा हाइड्रोजन, तो ये आपका प्रोडक्ट बनके तैयार है। ये एनसीईआरटी से देखते चलो, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है अभी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलता हूं, मान लो इसकी रिएक्शन, मान लो इसकी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हमने करा दी अल्कोहल के साथ, तो इसमें देखने से ही पता चल रहा है आपको कि ये बन जाएगा आर पॉजिटिव और OH क्या बनता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव पे नेगेटिव चिपक जाएगा और नेगेटिव पे पॉजिटिव चिपक जाएगा, रिएक्शन अपनी कंप्लीट है। और आगे फिर से वो बोले कि फिर से ROH डाल दे, एनसीईआरटी में देखो आप वो फिर से डाल दे तो फिर से सेम टाइप से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं रिएक्शन बोल रहा हूं फिर से एनसीईआरटी की, कि इसकी रिएक्शन आर एमजीएक्स के साथ करा दे तो क्या होगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, आर नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो नेगेटिव पे पॉजिटिव चिपका दो, पॉजिटिव पे नेगेटिव चिपका दो, बस खत्म है काम। थोड़ी थोड़ी आप जो इसमें आगे स्टेप होंगे ना वो थोड़ा एनसीईआरटी से देख लेना, क्योंकि मैं यहां पे रिएक्शन से याद करवा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप एनसीईआरटी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी साथ में रखो और वहां से देखते रहो, ठीक है। अब देखो ये तीन हो चुके हैं, अगली देखो मान लो इसकी रिएक्शन करवा दे NaHSO3 के साथ, NaHSO3 के साथ, अब इसमें देखने से ही पता लग रहा है कि सोडियम क्या बनता है अपना पॉजिटिव बनता है, ये बन जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव चिपक जाएगा पॉजिटिव पे, पॉजिटिव चिपक जाएगा नेगेटिव पे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक रिएक्शन में थोड़ी अलग से करवा रहा हूं, देखो वैसे इसमें अलग नहीं है कुछ, जो अभी तक हमने किया बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है, बस इसमें थोड़ा सा पानी निकल जाता है वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग से बता रहा हूं। देखो ये हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, अब इसकी रिएक्शन करवा दी NH2Z के साथ, NH2 और ये Z, अब ये Z की वैल्यू एनसीईआरटी में देख लेना, कुछ भी हो सकती है पर अपने को Z से ही याद रखना है। अब कुछ भी दे दे Z तो हम सिंपली Z को याद रखेंगे तो अपना सारा कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे अभी तक हमने किया बिल्कुल वैसे ही करना है, बिल्कुल वैसे करना है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे कैसे बनेंगे चार्ज, देखो ये हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो ये जो बाकी का बचा इस पे आ जाएगा नेगेटिव, तो हमने क्या करना है कि पॉजिटिव को चिपका देना है नेगेटिव पे और नेगेटिव को चिपका देना पॉजिटिव पे, तो इसके हिसाब से अपना क्या बनेगा, इसके हिसाब से अपना क्या बनेगा कि ये कार्बन था पॉजिटिव पे चिपकेगा नेगेटिव, इस पे क्या चिपक जाएगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट चिपक जाएगा, कि ये क्या था NHZ, सिंपल है। अब ये सिंगल बॉन्ड पे यहां था अपने पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या चिपक जाएगा, या पॉजिटिव वाला मतलब ये, सिंपल है। अब क्या करना है, सिंपली क्या करना है, यहां पे हमें देखने से ही पता लग जाएगा, कुछ याद भी नहीं रखना, यहां पे ये वाटर निकाल देना है, ये H2O ये निकाल देना है। अब ये निकालने के पास हमारे पास बचेगा क्या, ये कार्बन, कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास क्या बचा, ये Z बचा, ये नाइट्रोजन, ये Z। अब ये Z की वैल्यू चेंज करते रहो और खेलते रहो वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो बहुत छोटी सी वीडियो है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, या तो होगी अल्फा एलिमिनेशन या होगी बीटा एलिमिनेशन। अब ये अल्फा बीटा क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो ये कार्बन है, कार्बन पे अटैच है 3 क्लोरीन और यहां पे है हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये कैसा कार्बन है, ये है अल्फा कार्बन। अब यहां पे हमने मान लो एलिमिनेशन करनी है HCl की, HCl की एलिमिनेशन करनी है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन भी अल्फा से गया और क्लोरीन भी अल्फा से गया, तो इसको बोल देते हैं अल्फा एलिमिनेशन। तो पर ये हमारे किसी काम की नहीं है, हमसे नहीं पूछी जाती, अपने सिलेबस में लगभग लगा के चलो है ही नहीं है। अब बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन की। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, देखो ये कार्बन इससे लगा है क्लोरीन और इस पे क्या है 3 हाइड्रोजन नॉर्मल और इस पे क्या हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन, क्लियर बात है। अब देखो इस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है, मतलब ये कार्बन हुआ
अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अगला कार्बन बीटा कार्बन। अब क्या होगा, HCl का रिमूवल करना है, HCl का क्लोरीन चला जाएगा इससे, और हाइड्रोजन बीटा वाले से, मतलब बीटा वाला भी इन्वॉल्व हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, बीटा एलिमिनेशन। अब देखो यहां से हाइड्रोजन गया, यहां क्लोरीन, तो क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है। अब देखो ये सिंपल सी बात देख लेते हैं, हमने यहां किया HCl का, HCl का, या बोल लो HX, X क्या है, हैलोजन, इसका एलिमिनेशन हुआ, तो बिल्कुल नाम देखो, एलिमिनेशन के लिए क्या वर्ड यूज होता है, डी, डी मतलब हटा दिया, तो इसके लिए डी हाइड्रोहैलोजिनेशन। अगर हम X2 का एलिमिनेशन करते तो डी हैलोजिनेशन, अगर हम H2O का एलिमिनेशन करेंगे तो डीहाइड्रेशन, डीहाइड्रेशन मतलब पानी निकाल दिया। ठीक है, तो बिल्कुल यही इसी टाइप से रिएक्शन होती है सारी। ठीक है, अब एक अल्कोहल में इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है, अल्कोहल में क्या इंपॉर्टेंट आती है वो देख लेते हैं। देखो ये एक अल्कोहल है, इस पे यहां पे एक हाइड्रोजन, इसके आगे एक हाइड्रोजन, बाकी हाइड्रोजन आप ड्रॉ कर लेना, मैंने काम वाले किए सिर्फ। ठीक है, अब देखो, अब आपको बोल दिया जाएगा इसकी एलिमिनेशन करो, तो ये अपने काम की नहीं है, हमें क्या करना था, बीटा करनी थी, तो बीटा एलिमिनेशन अगर इसमें हम करेंगे, डिहाइड्रेशन हो गया ना, डिहाइड्रेशन, क्योंकि अल्कोहल है, H2O निकलेगा। अब देखो इस कार्बन से है ये फंक्शनल ग्रुप अटैच, तो ये है अल्फा कार्बन, अल्फा से नेक्स्ट क्या है, बीटा, अल्फा से नेक्स्ट क्या है, बीटा। अब बीटा एलिमिनेशन के आपके पास दो ऑप्शन है, कि या तो ये H2O ऐसे निकाल दो, या H2O ऐसे निकाल दो, तो दोनों प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं। देखो अगर कैसे भी निकाल दो आप, दोनों प्रोडक्ट हम बना के दिखा देते हैं, या तो ऐसे बनेगा है ना, यहां से निकल गया तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, और यहां से निकलेगा तो यहां टर्मिनल पे डबल बॉन्ड आएगा, या ऐसे डबल बॉन्ड आएगा। अब देखो इसमें फर्क क्या है, एक जगह पे टर्मिनल साइड पे, टर्मिनल साइड पे है डबल बॉन्ड, एक में बिल्कुल बीच में है, मतलब टर्मिनल पे नहीं है, तो जिसमें बीच में है टर्मिनल पे डबल बॉन्ड नहीं है उसको हम बोल देंगे सेटजेफ रूल, है ना, हमने सेटजेफ रूल को फॉलो किया है, और इसका प्रोडक्ट होगा मेजर, ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। और जहां पे टर्मिनल साइड पे, टर्मिनल साइड पे आपको डबल बॉन्ड दिखे वो है हॉफमैन रूल, और ये माइनर होगा, मतलब ये अनस्टेबल है। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये देखो अल्कोहल की यहां पे क्या हुई, डिहाइड्रेशन हुई, अब अल्कोहल की रिएक्टिविटी रेट पूछी जाती है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, इनमें से कौन सा ये वाली रिएक्शन फास्ट देगा, मतलब कौन फास्ट पानी को निकालेगा। तो अब देखो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देखनी है, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। देखो कुछ नहीं करना, मान लो ये आपको अल्कोहल दे दिया जाए, ये आपको अल्कोहल दे दिया जाए, तो सिंपली आप क्या करो, OH- को भेज दो और बचे हुए पे क्या बना दो, कार्बोकटायन बना दो। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के आप ऐसे कार्बोकटायन बना के देखोगे तो हमें पता है कि टर्शरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, तो टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट ये वाली रिएक्शन देगा, फिर सेकेंडरी है तो फिर सेकेंडरी देगा, और सबसे कम देगा प्राइमरी। बस इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इतनी सी बातें हैं, बस इसी को आप कवर कर लेना। ठीक है, और एक बार इसको बुक से देख लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की बात करते हैं तो इस एक कॉमन से फ्लो को याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज किया तो बने अल्कोहल, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया तो एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन को ऑक्सीडाइज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिडक्शन में बिल्कुल ऑपोजिट फ्लो चला देना है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक मजे की बात है, जैसे अल्कोहल है, अब अल्कोहल की पूछ ली हमसे ऑक्सीडेशन, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के यहां पे साफ साफ दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो या तो यहां पे जंप मारेगा या यहां पे जंप मारेगा। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहां पे सिर्फ एक स्टेप जंप मार पाएगा, और स्ट्रॉन्ग है तो यहां पे चला जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन के लिए या यहां पे ऑक्सीडाइज हो सकता है, या यहां पे हो सकता है, या यहां पे हो सकता है। ठीक है, और सेम ऐसे एल्डिहाइड कीटोन के लिए ऑक्सीडेशन पूछ ले तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम ऐसे रिडक्शन के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के अपने को दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं कि या तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, या क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, या तो ऐसे स्टेप में चलेगा और या डायरेक्ट इधर से इधर पहुंच जाएगा। अब सिंपल सा हमें देखो, देखने से ही पता लग रहा है कि अगर नॉर्मल या थोड़े वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए तो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन में, और अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो ये डायरेक्ट जंप मार के, ठीक है, इस वाले स्टेप को स्किप कर
कर देगा और डायरेक्ट एल्कोहल जंप मार के कहां पहुंच जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। एल्कोहल हमारे पास कौन से होते हैं, या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे कैसे इनमें पहुंचेंगे, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, बारी बारी से बात कर लेते हैं। पहले प्राइमरी की बात कर लेंगे, फिर सेकेंडरी की बात कर लेंगे, फिर टर्शरी की बात कर लेंगे कि रिएक्शन अपनी हो कैसे रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एल्कोहल की। ये एक प्राइमरी एल्कोहल है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि पता कैसे लगा ये एक प्राइमरी एल्कोहल है, तो सिंपल सा फंडा है। देखो ये कार्बन कैसा कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप है ना। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन अगर सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल, और ये वाला कार्बन दो कार्बन से अटैच है तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, और ये वाला कार्बन अगर तीन कार्बन से अटैच है तो हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल। तो ये वाला कार्बन जिससे OH जुड़ा है ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो ये होगा प्राइमरी अल्कोहल, है ना, CH3CH2OH। ठीक है, अब देखो मान लो इसकी हमें क्या करनी थी, इसकी करनी थी हमें ऑक्सीडेशन। अब मान लो यहां पे अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देते हैं, मान लो आपको दे दिया जाएगा CrO3, ये एनहाइड्रस लेते हैं CrO3 एनहाइड्रस, या आपको दूसरा दे दिया जाए पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से कॉपर प्लस हीट दे दी जाए, तो इसकी क्या होगी। देखो अपने को अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से दो ही चीजें मिल सकती हैं, क्या, एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाले जो हैं ये थोड़े वीक वाले हैं, ये स्ट्रॉन्ग वाले नहीं है, तो एल्डिहाइड या कीटोन ही मिलेगा, है ना। कुछ भी नहीं रटना है, कुछ भी याद नहीं करना है। देखो क्या होता है, हमें करनी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, या तो ऑक्सीजन दे दो या हाइड्रोजन निकाल लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें किसी की ऑक्सीडेशन करनी है तो उसको या तो ऑक्सीजन दे दो या हाइड्रोजन निकाल दो। हाइड्रोजन निकाल दो मतलब -H2 उसमें से निकाल दो। अब देखो जिस कार्बन पे OH लगा है उस कार्बन को पकड़ लो, उस कार्बन को पकड़ लो। ठीक है, ये कार्बन हमने पकड़ लिया, अब H2 निकालना है, तो एक हाइड्रोजन ये वाला जाएगा और एक हाइड्रोजन जाएगा ये OH वाला। ठीक पहले है ना, हमने करनी थी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकाल दी। तो अब क्या होगा, देखो ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा तो ये सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, तो बनेगा क्या, देखो ये CH3 डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर ये वाला कार्बन, फिर यहां पे ये डबल बॉन्ड बन गया, और फिर ये वाला हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया CH3CHO, ये क्या बन गया एक एल्डिहाइड। हमने कुछ भी नहीं याद किया, और हमने किया था कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से या एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, है ना, सिंपल सा कुछ भी नहीं याद किया, सिर्फ हाइड्रोजन का रिमूवल किया, और इसी को हम क्या बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, सिंपल सा। अब इस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दें तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने यहां बात की है थोड़े वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे CrO3 और कॉपर प्लस हीट। अगर दूसरा केस आपको दे दिया जाए कि मान लो इसको प्राइमरी अल्कोहल को हम दे दें क्या KMnO4, तो KMnO4 हमने वहां देखा था एक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इसकी डायरेक्ट इसकी जंप करवा देगा किसमें, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COOH। सिंपल सी बात है, इसमें दो कार्बन है तो एसिड में भी दो ही कार्बन होंगे, डायरेक्ट जंप करवा देगा, हमने बात की थी ना डायरेक्ट जंप करवा देगा। ये प्राइमरी अल्कोहल बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं याद किया। अब हम चलते हैं अपने सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल की। देखो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो दो कार्बन से अटैच होना चाहिए, है ना, एक दो तीन, और इसकी ये वैलेंसी पूरी हो जाएगी, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये है एक सेकेंडरी अल्कोहल, ये कार्बनों पे आप हाइड्रोजन लगाते रहना। जिस कार्बन पे OH जुड़ा है वो कार्बन दो कार्बन से अगर अटैच है तो उसको हम बोलेंगे एक सेकेंडरी अल्कोहल। इतनी बात क्लियर है। अब करनी है इसकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में वही पहले थोड़े वीक वाले देके देखते हैं जो भी एनसीईआरटी के या एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि एनहाइड्रस CrO3 या इसको दे दें कॉपर प्लस हीट, तो क्या होगा। देखो सिंपल से वही स्टेप करना है, ऑक्सीडेशन मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकाल देते हैं ना, तो एक हाइड्रोजन तो कौन सा जाएगा OH वाला, और दूसरा कौन सा जाएगा कि जिस कार्बन पे OH लगा है उसके साइड वाला जो उससे अटैच है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, तो ये यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी और ये वाला बॉन्ड इधर ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो सेम इसको ऐसा यहां पे चिपका देते हैं। देखो ये सेंटर वाला ये कार्बन बना दिया, इस पे ये कार्बन था, इस पे ये कार्बन था, और ये डबल बॉन्ड, और क्या बच गया ऑक्सीजन। तो ये देखने से ही पता लग रहा है कि ये क्या बन गया हमारे पास, एक कीटोन बन चुका है, कीटोन बन चुका है। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर इसको, ये तो वीक वाले थे ना थोड़े, अगर इसको हम स्ट्रॉन्ग दे दें, कौन सा KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दें, तो क्या होगा। तो देखो
जब कीटोन बन जाता है ना, हमने एल्डिहाइड कीटोन वाले में बात की थी वीडियो में कि कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल होती है, लगभग ये स्टेप यही रह जाएगा। अगर हम स्ट्रोंग का भी यूज करें तो लगभग लगभग कीटोन पे ही रह जाएगी, पर अगर हम इसके साथ स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट का यूज कर दें तो क्या होगा, ये जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड है ना, ये कार्बन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे, ये कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे, और इन बॉन्ड्स टूट के जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, सिंपल सी बात है, कार्बन और कार्बन के जो बॉन्ड टूट गए तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे वो कार्बन कम होगा उनमें, है ना, उनमें कार्बन का नंबर कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सेकेंडरी अल्कोहल को जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस बहुत सारी हीट के साथ ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे वो कम कार्बन के होंगे, है ना। नहीं तो नॉर्मली ये कीटोन पे ही रिएक्शन रुक जाती है, आगे इसकी ऑक्सीडेशन होती नहीं है। अब हम चलते हैं अपने टर्शरी अल्कोहल की तरफ। अब बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल की। देखो टर्शरी अल्कोहल क्या होगा कि कार्बन से OH जुड़ा है, और ऐसा कार्बन जिससे OH जुड़ा है वो तीन कार्बन से अटैच हो, तीन कार्बन से अटैच हो। अब देखो यहां पे एक बात बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि हम जब ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, ये हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे थे, तो एक हाइड्रोजन हम ये वाला ले रहे थे और दूसरा कहां से उठा रहे थे हम हाइड्रोजन, कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके साथ वाला हाइड्रोजन। अब यहां पे तो सारे कार्बन 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 है, मतलब दूसरा हाइड्रोजन मिलेगा ही नहीं, मतलब जो टर्शरी अल्कोहल होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती नहीं है, है ना। टर्शरी अल्कोहल नॉर्मली मतलब ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है। तो अब इनकी पर एनसीईआरटी में जैसे जैसे रिएक्शन दी हुई है, पहले हम कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि CrO3 का जब यूज करेंगे तो क्या होगा, तो टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी नहीं। दूसरी रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है कि कॉपर प्लस हीट का यूज करेंगे तो टर्शरी अल्कोहल का क्या होगा, तो क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगी, उल्टा एलिमिनेशन हो जाएगी। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, इन कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहां से पानी बना के निकल जाएगा, और इधर ये कार्बन कार्बन का बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है, CrO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं, कॉपर प्लस हीट के साथ एक एल्कीन बन गया, और तीसरी रिएक्शन क्या है कि इसको अगर KMnO4 यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये कार्बन और कार्बन जैसे कीटोन ने किया था सेम वैसे ही कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे, कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे उनमें कार्बन का नंबर कम होगा, है ना। वैसे नॉर्मली कितना का बनना चाहिए था, एक दो तीन चार कार्बन का बनना चाहिए था, पर ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड टूट गए तो जो बहुत सारे मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे उनमें कार्बन का नंबर कम होगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी एक बार पढ़ के देखो, आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की ऑक्सीडेशन। देखो ये मैंने इस तरीके से बनाया, आपकी पूरी एनसीईआरटी डिक्टेट हो जाएगी, ठीक है। इसके वीडियो के बाद अब एनसीईआरटी पढ़ के देखना, पूरी एनसीईआरटी आपकी डिक्टेट हो जाएगी। देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की करनी है ऑक्सीडेशन, पहले करेंगे किससे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जो कि कौन से होते हैं, टोलन रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, और फिर हम करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जो कि कौन से, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये K2Cr2O7 KMnO4, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ये अपने होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी बात क्लियर है, ये माइल्ड और ये स्ट्रॉन्ग। अब देखो पहले हमने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो एल्डिहाइड माइल्ड से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट कीटोन माइल्ड वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी को डिक्टेट करा रहा हूं। और फिर हमने करना है स्ट्रॉन्ग से, स्ट्रॉन्ग से एल्डिहाइड हो जाएगा और कीटोन होगा, पर एक शर्त पे कि हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये बिल्कुल समझना एनसीईआरटी का, माइल्ड से सिर्फ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और स्ट्रॉन्ग से दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, पर कीटोन जो है वो हाई टेम्परेचर पे, और एल्डिहाइड तो माइल्ड से ही ऑक्सीडाइज हो गया तो स्ट्रॉन्ग से तो इजीली हो ही जाएगा। अब देखो अब मैं कितने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि टोलन या फेलिंग रिएजेंट किस लिए यूज होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो टोलन फेलिंग रिएजेंट वाला टेस्ट दे देंगे और कीटोन नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोलन फेलिंग रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन को यहां पे डिफरेंशिएट करने है, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है। अब देखो ये टोलन फेलिंग में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, इनपे भी थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो टोलन रिएजेंट होता है वो एरोमेटिक और एलिफेटिक, एरोमेटिक भी एलिफेटिक भी दोनों टाइप के एल्डिहाइड देते हैं, बट जो फेलिंग रिएजेंट है वो ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग वाला टेस्ट नहीं देते। तो इसको कैसे याद करें, देखो
टोलन की स्पेलिंग में डबल एल आ रहा है, डबल एल मतलब एस को ऐसे याद कर लेना कि एक एल से बना एरोमेटिक और एक एल से एलिफेटिक, डबल ए को डबल एल से मैच करा देना है। तो टोलन और फेलिंग का भी फर्क पता चल गया और एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने से अपना वो पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है, देखो एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन हम दो टाइप से कर सकते हैं, या तो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 का यूज करके और इसको क्या बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, या हॉट एसिडिक KMnO4 का यूज करके, ठीक है। अब देखो ये एक एल्कीन है, ये एक एल्कीन है, तो हमने इसको बेयर्स रिएजेंट से अगर ऑक्सीडाइज किया तो क्या होगा, सिंपली इसमें क्या करो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ दो, ऐसे याद रखना, ये कोल्ड डाइल्यूट है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हॉट है एसिडिक है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये वीक था तो ये सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ पाया, ये एक बॉन्ड टूट गया, सिर्फ यहां पर एक बॉन्ड रह गया, और यहां पे क्या करो OH OH ग्रुप लगा दो, ठीक है। तो वीक है तो इसको सिर्फ अल्कोहल तक पहुंचा पाया, और इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, ये एल्कीन है, इसमें क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये पूरा डबल बॉन्ड तोड़ देगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेंगे, देखो यहां पे पॉसिबिलिटी इसके साथ क्या बन सकती है, देखो या तो ये देखो या तो यहां पे क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरा क्या है, या तो यहां पे एक R ग्रुप होगा और एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, या तो यहां पे भी R है यहां पे भी R है, ठीक है। तो इनमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे इसका यूज करके, देखो दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो बना दो CO2, और एक R ग्रुप है इधर तो बना दो RCOOH, और दोनों R ग्रुप है तो क्या बन जाएगा RR डबल बॉन्ड, ये कीटोन बन जाएगा, कुछ इस तरीके से है, ठीक है।